चलो कैसे हो बेटा? अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा सरफेस केमिस्ट्री का, उसमें अपन ने बात की थी एड्सॉर्प्शन की, ओके, अधिशोषण की। जैसे अपने क्या कहा था, ये जो सरफेस केमिस्ट्री होता है इसके क्या होते हैं मेनली तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है पूरा चैप्टर। फर्स्ट अपन ने कहा था एड्सॉर्प्शन, फिर मैंने कहा था बेटा कोलोइडल स्टेट, फिर मैंने कहा था कैटालिसिस, याद है ना? ओके, उसका जो फर्स्ट पार्ट है एड्सॉर्प्शन यानी अधिशोषण, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। ओके, अब बात करते हैं बेटा इसके सेकेंड पार्ट की, क्या कोलोइडल स्टेट। ओके चलो आज बात करते हैं इसकी, कोलोइडल स्टेट, कोलोइडल स्टेट यानी कोलोइडी अवस्था। ओके ठीक है, अब जैसे मान लो आपको जो थ्योरी के लिए मैंने शीट आपको सेंड की है उसमें दे रखा थॉमस ग्राहम ने ये बताया था वो बताया था, सब बकवास है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके कोलोइडल स्टेट में ध्यान रखना बच्चों, शीट में अगर आप देखोगे तो कोलोइडल स्टेट काफी लेंथ में दे रखा, काफी बड़ा दे रखा बेटा, लेकिन आपको इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें कई सारी मेथड्स आएगी, कई सारी मैकेनिज्म आएगी, सभी आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मली होगा बेटा खाली मतलब आइडिया होना चाहिए उसको मैं आपको बोल के एक्सप्लेन करूंगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं बोर्ड पे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ओके तो जो चीज मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं वो तो दिमाग में सेट होनी चाहिए, सर ने ऐसे बताया था। ओके चलो बेटा बात करते हैं वन बाय वन कोलोइडल स्टेट यानी कोलोइडी अवस्था। ओके ये जो कोलोइडल स्टेट होती है बेटा इसमें क्या करते हैं सबस्टांस को मेनली दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक तो बोला जाता है बेटा क्रिस्टेलॉइड, मैंने क्या कहा क्रिस्टेलॉइड, ओके ठीक है, एक बोला जाता है बेटा कोलोइड, क्या कहा क्रिस्टेलॉइड और कोलोइड, इनको हिंदी में भी यही कहते हैं बेटा क्रिस्टेलॉइड और कोलोइड, क्लियर। इनका मीनिंग क्या होता है क्रिस्टेलॉइड, क्रिस्टेलॉइड क्या होते हैं वे सबस्टांस होते हैं बेटा जो क्या होते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज फ्रॉम SPM यानी क्या होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें सीट में नाम दे रखा परसमेंट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बात वही है। ओके क्या कहा, अरे डिफ्यूज फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी क्या कहेंगे क्रिस्टलॉइड वे सबस्टांस होते हैं जो क्या होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके और कोलोइड, कोलोइड क्या होंगे बेटा ये वो होते हैं जो क्या होंगे नॉट डिफ्यूज, नॉट डिफ्यूज फ्रॉम SPM, इतना ध्यान रखना, यानी वे सबस्टांस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं हो सकते उन्हें क्या कहेंगे कोलोइड कहेंगे बेटा। ओके और जो विसरित हो सकते हैं डिफ्यूज हो सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे क्रिस्टेलॉइड बोला जाता है, क्लियर ठीक है बेटा। अब अपन कहें तो देखो नॉर्मली इसके एग्जांपल की बात करें तो देखो जो डिफ्यूज हो सकते हैं तो इनके लिए क्या कहेंगे जैसे सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड शुगर, यानी जो शुगर होती है यूरिया होती है उनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है क्रिस्टेलॉइड नेचर का होता है बेटा, बात समझ में आ गई क्लियर ठीक है। और कोलोइड नेचर की अगर मैं बात करूं तो अपन क्या कह सकते हैं जैसे प्रोटीन हो गया या फिर क्या हो गया जिलेटिन हो गया, प्रोटीन जिलेटिन या फिर क्या कहेंगे जैसे अपन सैलिसिलिक एसिड भी बेटा एक एग्जांपल आता है, इस टाइप से कई सारे एग्जांपल है, या फिर जैसे क्या प्रोटीन जिलेटिन स्टार्च गम वगैरह ये सारे क्या इस कंडीशन में आते हैं जो क्या करेंगे यानी SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होंगे विसरित नहीं होंगे बेटा, बात समझ में आई। तो ये चीज बच्चों कई जगह काम आएगी, इनका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा आइडिया रखना, क्यों आगे एक हम मेथड पढ़ेंगे डायलिसिस अपोहन, ओके उसमें नाम आएगा ये तो ध्यान रखना, मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि बेटा ऐसा हमने एक पॉइंट बोला था क्या क्रिस्टलॉइड तो वो होता है जो मेम्ब्रेन से झिल्ली से डिफ्यूज हो सकता है विसरित हो सकता है पार हो सकता है काम खत्म क्लियर, और कोलोइड वो होता है जो क्या मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकता झिल्ली से विसरित नहीं हो सकता उसको पार नहीं कर सकता बेटा। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सब एग्जाम्पल अपने लिखे हैं क्रिस्टलॉइड और कोलोइड के बारे में बेटा, क्लियर यहां तक बात ठीक है। अब अपन बात करें बच्चों देखो नॉर्मली अगर हम कहें जैसे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों क्या कहेंगे नॉर्मली जैसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन हम बोलते जरूर है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है दो सबस्टांस का मिक्सर, दो पदार्थों का मिश्रण, ओके ठीक है। नॉर्मली अगर अपन बात करें तो सॉल्यूशन जो मिक्सर होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है इनकम्प्लीट होती है बेटा ये, ओके मैंने क्या कहा ये डेफिनेशन क्या है इनकम्प्लीट होती है बेटा, कैसे नॉर्मली मिक्सर तो होता है लेकिन मिक्सर भी क्या होता है दो टाइप का होता है, ठीक है कैसे होता क्या होता डिटेल से बताता हूं बेटा, ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट बोर्ड पे जगह कम है अभी एक्सप्लेन करता हूं, यहां तक इसको छोड़ देना ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट आगे एक्सप्लेन करता हूं कर लिए स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा अरे पर्दे का चित्र ले लिया यस और नो
कलिए बेटा। चलो ये तो अपने बेसिकली बात किया क्या है क्रिस्टलॉइड और कोलोइड के बारे में। अब बात करते हैं जो कोलोइडल स्टेट की अपन बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा। ओके तो नॉर्मली अगर अपन बात करें बेटा तो समझना जैसे यानी मिक्सर ऑफ, जैसे मैं ये बोलूं मिक्सर ऑफ यानी मिक्सर ऑफ ए एंड बी, मैंने क्या कहा मिक्सर ऑफ ए एंड बी। मिक्सर ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है, ए और बी कोई भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, दो घटक हो सकते हैं, दो सबस्टांस यानी दो पदार्थ हो सकते हैं। ओके ठीक है बेटा, इनका अगर अपन मिक्सर बनाए, क्या कहा इनका अगर अपन मिक्सर बनाए तो मिक्सर क्या होगा, दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है होमोजीनस एक होता है हेटेरोजीनस। मैंने क्या कहा होमोजीनस और एक होता है बेटा हेटेरोजीनस। ठीक है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांगी, इसको बोलते हैं विषमांगी। मैंने क्या कहा समांगी और विषमांगी, यानी कोई भी दो कंपोनेंट को अगर आप मिलाओगे तो उसे मिक्सर तो बोल देंगे, लेकिन मिक्सर क्या होता है बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनस एक होता है हेटेरोजीनस। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, होमोजीनस समांगी यानी दोनों कंपोनेंट दोनों घटक जिनको आपने मिलाया वो एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाए पूरी तरह मिल जाए उसे क्या बोलते हैं कंप्लीटली मिक्सअप हो बेटा तो क्या बोल देंगे होमोजीनस। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर को अपन वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, डिसॉल्व करने के बाद शुगर और वाटर को प्योर फॉर्म में अपन सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं, दोनों पूरी तरीके से घुल जाते हैं बेटा, डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, वो कैसा है होमोजीनस है समांगी है बेटा। क्लियर ठीक है। हेटरो, हेटरो का मतलब क्या होता है, दो सबस्टांस को आपने मिला तो दिया लेकिन वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिजोल्व नहीं हो पाए उसे क्या बोलेंगे हेटरोजीनस मिक्सर बोला जाता है। ओके फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूंगा, जैसे यानी मिक्सर ऑफ डस्ट एंड वाटर यानी सॉइल इन वाटर अपन मान सकते हैं बेटा, क्या कहा सॉइल इन वाटर, अरे डस्ट पार्टिकल होते हैं बेटा, इनको वाटर में कितना भी मिलाओ, जैसे मान लो ये बॉटल है इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल मिट्टी के कण में डाल दूं और मैं डिजोल्व करता जा रहा हूं तो ये बताओ वो डिजोल्व होंगे क्या, नहीं, जिस पॉइंट पर आपने डिजोल्व करना छोड़ा बेटा उस पर डस्ट पार्टिकल को आप इजीली देख सकते हो बॉटम पर डिपॉजिट होने लग जाएंगे, यस और नो। अरे ट्यूबवेल से अपन बेटा वाटर लेते हैं पानी लेते हैं बेटा तो देखा होगा ट्यूबवेल की जो मोटर होती है कितनी यानी ऑलमोस्ट 100 फीट की डेप्थ तक क्या करती है वाटर को क्या करती है बेटा ऊपर फ्लो करती है, लेकिन फिर भी हमें पता है देखो इसका मतलब प्रेशर कितना ज्यादा होता है उसके बाद भी वो डिसॉल्व नहीं होती डस्ट पार्टिकल। हमें पता है जो पाइप से वाटर आता है बेटा उसके साथ क्या डस्ट पार्टिकल भी आते नहीं आते, आते हैं क्यों, क्योंकि सॉइल इन वाटर यानी मिट्टी और पानी क्या करते हैं बेटा हेटरोजीनस विषमांगी मिक्सर का एग्जांपल होते हैं जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुले नहीं पाते। क्लियर तो इनका मतलब क्या है समझ में आ गया बेटा, क्लियर ठीक है बेटा। अब जो होमोजीनस मिक्सर होता है, मैंने क्या कहा होमोजीनस मिक्सर होता है तो इसको बोला जाता है बेटा ट्रू सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा इसको सॉल्यूशन भी बोल देते हैं या ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, क्लियर ठीक है। ये जो हेटरोजीनस मिक्सर होता है ये क्या होता है, ये दो टाइप का होता है बेटा, एक तो क्या होता है हेटरोजीनस के दो टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन, मैंने क्या कहा कोलोइडिविलियन, और एक बोला जाता है बेटा सस्पेंशन निलंबन, क्या बोला जाता है सस्पेंशन निलंबन। बायो में बेटा आपने ये वर्ड सुना भी होगा, बायो में आता है ना सस्पेंशन यानी ऐसे प्लांट जो फ्लोटिंग करते रहते हैं बेटा यानी इजीली देख सकते हो फ्लोटिंग करते हुए रिवर्स वगैरह में, वो क्या होते हैं सस्पेंशन यानी उसी से वर्ड लिया गया सस्पेंशन, यानी पार्टिकल ऐसे होंगे जो क्या करें वाटर में डिजोल्व तो नहीं होंगे फिर भी क्या करेंगे इजीली आप सेपरेट कर सकते हो, ये भी ऐसी ही कंडीशन है। तो बच्चा कहेगा सर ये भी क्या होगा, आपने कहा था हेटरोजीनस जो क्या होगा मिक्स नहीं हो पाए उसे बोलेंगे हेटरोजीनस, और आपने कहा हेटरोजीनस सर क्या होगा, आपने कहा सर ये दोनों हेटरोजीनस के टाइप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है पार्टिकल की साइज का। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अब इस बात को समझना बेटा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है मैंने क्या कहा सॉल्यूशन के तीन टाइप होते हैं, एक तो क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन। अब जब तक आपको इनका मीनिंग नहीं पता होता बेटा तब तक आप कर नहीं पाते क्या, एक तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन ठीक है, एक होता है बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइडिविलियन कोलोइडल सॉल्यूशन, क्लियर, एक होता है बेटा सस्पेंशन, क्या कहा सस्पेंशन। और ये जो बेटा क्या किया इनको जो डिवाइड किया गया इनको डिवाइड करने का बेसिस क्या है आधार क्या है इनके पार्टिकल की साइज, किसकी साइज पार्टिकल, पार्टिकल कौन से सॉल्यूट के पार्टिकल। ओके ठीक है बेटा, तो क्या कहा इनमें क्या होता है जो सॉल्यूट पार्टिकल की साइज होती है वो क्या होती है लेस देन 10 एंगस्ट्रम होती है। मैंने क्या कहा ट्रू सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो सॉल्यूट पार्टिकल। अब मैंने सॉल्यूट ये बोला इसका मतलब तो समझ रहे हो ना, अरे सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने डिटेल से बताया क्या
नॉर्मली दो कंपोनेंट होते हैं, उनको मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं। वो दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ध्यान है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन यानी विलयन बनाते हैं। क्लियर? विलय कौन होता है? जो लेस अमाउंट में होगा और डिजोल्व होता है। सॉल्वेंट विलायक कौन होता है बेटा? जो हायर अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट को डिजोल्व करता है, वो सॉल्वेंट होता है। जैसे शुगर और वाटर का एग्जाम्पल लिया, शुगर लेस अमाउंट में होती है वाटर के कंपेरिजन में और डिजोल्व होती है, घुलती है, तो वो सॉल्यूट हो गई, विलय हो गई। क्लियर? वाटर क्या करता है? हायर अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है शुगर के कंपैरिजन में, और शुगर को डिसॉल्व करता है, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, यानी विलायक हो गया बेटा। आ गया समझ में? ये सारी बेसिक बातें मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में बता रखी है बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिनमें पार्टिकल की साइज क्या हो 10 एंगस्ट्रम से कम हो, ओके? और सस्पेंशन उसको बोलेंगे जिसमें पार्टिकल की साइज क्या हो 1000 एंगस्ट्रम हो बेटा, ध्यान रखना, ओके? ठीक है, कई जगह ध्यान रखना बेटा, नैनोमीटर में भी डाटा दे देगा, तो नैनोमीटर में अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 कम हो जाएगा, ओके? ठीक है बेटा। और अगर बात करें अपन किसकी, कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होगा? पार्टिकल की साइज 10 से 1000 एंगस्ट्रम के बीच में होगी। मैंने क्या कहा? ट्रू सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें पार्टिकल की साइज क्या 10 एंगस्ट्रम से कम, सस्पेंशन उसको बोलेंगे जिसमें पार्टिकल की साइज क्या 1000 एंगस्ट्रम से ज्यादा, और क्या बोलेंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो उसको बोलेंगे जिसमें पार्टिकल की साइज क्या होगी बेटा, यानी 10 से 1000 के बीच में होगी। बच्चों आ गया समझ में? और ये मैंने किसकी वैल्यू बताई है? साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किसकी बताई है बेटा? साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, विलय कणों का आकार बेटा। बात समझ में आ गई? यस और नो? इसका मतलब एक बात तो श्योर है, मैं यहां पर दो पॉइंट मेंशन कर सकता हूं बेटा। क्या? कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल स्टेट है, वो क्या होती है? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बीच की कंडीशन होती है। यस और नो? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना यह पॉइंट। मैंने क्या कहा? कोलोइडी विलयन या कोलोइडी अवस्था क्या है? वास्तविक विलयन व निलंबन के बीच की अवस्था मानी जा सकती है। यस और नो? क्यों? क्योंकि पार्टिकल की साइज 10 एंगस्ट्रम से कम है तो वो ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में कंसीडर होगा। पार्टिकल की साइज अगर 1000 एंगस्ट्रम से ज्यादा है तो वो क्या होगा? सस्पेंशन की फॉर्म में कंसीडर होगा। और अगर दोनों के बीच की कंडीशन है 10 से 1000 एंगस्ट्रम तक, तो वो क्या होगा? कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में कंसीडर होगा बेटा। आ गया समझ में? तो मैंने क्या कहा था बेटा? हेट्रोजीनस क्या होता है? जो कंप्लीटली डिजोल्व ना हो पाए वो हेट्रोजीनस होगा। और हेट्रोजीनस में दो होंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। दोनों में ही क्या होता है? दोनों कंपोनेंट यानी पार्टिकल आपस में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्टिकल की साइज का। पार्टिकल की साइज कम होती है तो वो क्या हो जाएगा? कोलोइडल हो जाएगा। और पार्टिकल की साइज ज्यादा होती है तो वो सस्पेंशन में कंसिडर होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे? सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? तो मैंने कहा था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। क्या? कोलोइडल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कंडीशन मानी जा सकती है। यस और नो? क्लियर है बेटा यहां तक? एक चीज और ध्यान रखना, कोलोइडल सॉल्यूशन यहां पे ये जो डाटा आ रहा है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अपने आप में मैंने क्या कहा? रटने की जरूरत नहीं है, एक बात ध्यान रखनी है कि कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होगा? पार्टिकल की साइज डेफिनेट होती है। मैंने क्या कहा? कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज क्या होगी? डेफिनेट होगी। डेफिनेट होने का मतलब निश्चित आकार होना चाहिए। कैसे? 10 से 1000 के बीच में अगर है सॉल्यूट पार्टिकल तो ही अपन क्या बोलेंगे? उसे कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। और पूरी कोलोइडल केमिस्ट्री का बेटा यही बेसिस है। क्या? अगर पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा देगा, पार्टिकल के साइज अगर बहुत ज्यादा है तो आप उसे कोलोइडल सॉल्यूशन बोल सकते हो क्या? नहीं बेटा। तो अपन कई सारी मेथड्स यूज करेंगे पार्टिकल के साइज को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक पार्टिकल की साइज इस रेंज में नहीं आएगी तब तक उसे कोलोइडल सॉल्यूशन अपन नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? क्लियर? तो मैंने क्या कहा? दोनों के बीच की कंडीशन है और पार्टिकल की साइज क्या होती है? एक डेफिनेट रेंज में होती है, निश्चित परास में होती है। अगर ऐसे होगी तो ही इसे कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे बेटा। यहां तक समझ में आया? क्लियर? यस और नो? फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बात करते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो फटाफट फटाफट। बच्चों के मैसेज आए हैं, निकिता 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 सारू क्या बोला? विजिबिलिटी का भी डिफरेंट होता है ना सर? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल होता है। विजिबिलिटी का भी डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है। ये सब इनके पार्टिकल साइज के बेसिस पे ही है बेटा। आर्यन दृष्टि, हर्ष जैन, करीना, कुमकुम, मनीषा, सोहेल, निकिता, प्रदीप, प्रज्ञा, प्रेम, पुष्पेंद्र, रितु, शाहरुख, फैसल, विनीता। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत?
चलो बेटा वेरी गुड, चलो आगे बात करें, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। तो ये तो अपन ने क्या कहा, जो कोलोइडल सॉल्यूशन की अपन बात करें वो मेनली जो ट्रू सॉल्यूशन होता है और सस्पेंशन होता है उससे क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है बेटा। ओके चलो बेटा अब बात करते हैं मेनली, अब फोकस करते हैं कोलोइडल स्टेट या कोलोइडल सॉल्यूशन पर बेटा। ओके चलो अच्छे से समझते जाना क्या होता है कैसे होता है बेटा। मैं बात कर रहा हूं अब मेनली किस पर आ रहा हूं, मैं कोलोइडल सॉल्यूशन पर ही आ रहा हूं। किस पर आ रहा हूं, कोलोइडल सॉल्यूशन पर बेटा। ओके चलो बेटा समझना, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है इसमें मेनली क्या होती है, दो फेज होती है बेटा। क्या कहा, दो फेज होती है, एक तो होती है इंटरनल फेज, अच्छे से समझते जाना बच्चों इंटरनल फेज। मैंने क्या कहा था, बायोटाइप से चैप्टर है लेकिन आपको शॉर्ट एंड स्वीट में ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन आपको अलग से एक्स्ट्रा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके और सीधा एक क्वेश्चन आएगा वो सीधा उठा के आएगा, टिक लगेगा बेटा। कैसे, इंटरनल फेज मैंने क्या कहा, एक तो होता है इंटरनल फेज, एक होता है एक्सटर्नल फेज। इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज, आंतरिक अवस्था और बाहरी अवस्था, ये तो नॉर्मल सी बात है लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट जो है इसको बोला जाता है बेटा डिस्पर्स्ड फेज। मैंने क्या कहा, डिस्पर्स्ड फेज यानी प्रक्षेपित प्रावस्था। क्या बोला जाता है, प्रक्षेपित प्रावस्था। ओके ठीक है, इसे बोला जाता है बेटा डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम। ओके तो मेनली दो फेज यहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो मैंने क्या कहा, इंटरनल एक्सटर्नल तो भले ही नहीं याद रखो लेकिन ये दो वर्ड बार बार काम आएंगे बेटा। क्या, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपित माध्यम। ओके बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा ये कैसा होता है यानी बिहेव लाइक, ये ध्यान रखना बेटा इसको याद रखने का तरीका, बिहेव लाइक सॉल्यूट। मैंने क्या कहा, ये किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, सॉल्यूट के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। और ये किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है बेटा, बिहेव लाइक, बिहेव लाइक सॉल्वेंट। बात समझ में आई क्या, जैसे हमें पता है बच्चों जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको अपन क्या करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर मानते हैं, वैसे ही क्या होता है जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा बेटा वो क्या होता है, दो फेज में मिलकर डिवाइड बना होता है बेटा। कौन सा, डिस्पर्स फेज प्रक्षेपित प्रावस्था एंड डिस्पर्सन मीडियम प्रक्षेपण माध्यम। एक एक चीज दे रखी है सीट में, वर्डिंग का टेंशन मत लेना बेटा। ओके मैंने क्या कहा, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम प्रक्षेपित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम। ओके बच्चा कहेगा सर मतलब क्या है, तो मैंने समझने के लिए बोला है बिहेव लाइक सॉल्यूट बिहेव लाइक सॉल्वेंट। ओके कि जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नेचर होता है कम अमाउंट में होना और डिसॉल्व होने वाला, वैसा ही नेचर किसका होता है, डिस्पर्स फेज का होता है बेटा। बात समझ में आई क्या, और क्या होगा बिहेव लाइक सॉल्वेंट, मैंने क्या बोला बेटा इसका मतलब जैसे सॉल्वेंट का नेचर होता है ज्यादा अमाउंट में होना और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने वाला, वैसा ही नेचर किसका होगा, डिस्पर्सन मीडियम। और मीडियम का मतलब भी क्या होता है, सॉल्वेंट से ही लेते हैं बेटा। बात समझ में आई क्या, तो ये ध्यान रखना जो डिस्पर्स फेज होगा वो क्या होता है बेटा, लेस अमाउंट में होता है। बात समझ में आई क्या, किस में होता है, लेस अमाउंट में होता है। और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर अमाउंट में होता है। बात समझ में आ गई, यानी डिस्पर्स फेज क्या होगी, लेस अमाउंट वाली फेज को क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज। और जो ग्रेटर ज्यादा अमाउंट ज्यादा मात्रा वाली जो फेज होती है अवस्था होती है इसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। समझ में आ गया, यस ओर नो, क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बेटा, नॉर्मली अपन क्या करेंगे, आपको याद है सॉल्यूशन में मैंने एक बात कही थी क्या, कि सॉल्यूट में भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो चाहे गैस हो, लेकिन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे याद है ना मैंने कहा था सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो चाहे गैस हो, लेकिन विलयन की भौतिक अवस्था सदैव क्या होगी, विलायक के द्वारा निर्धारित होती है, याद है ना। अरे भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड है लिक्विड है या गैस है। तो सॉल्यूट अपने एक एक एग्जांपल भी देखा था, सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो कैसा भी हो, लेकिन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा विलयन बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा, जैसा सॉल्वेंट है हमेशा वैसी ही होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो मैंने शुगर और वाटर वाला एग्जांपल लिया था। शुगर और वाटर की बात करें तो शुगर अगर सॉल्यूट है वाटर सॉल्वेंट है, तो हमें पता जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्सर बनेगा वो बताओ लिक्विड फॉर्म में होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमें पता है बच्चों लिक्विड फॉर्म में, तो क्या होगा
सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। समझ में आ गया, यस और नो? यही बात यहां पर है बच्चों, क्या होगा यानी डिस्पर्स फेज कैसी भी हो सकती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, लेकिन जो रिजल्टेंट कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा, उसकी नेचर, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, जैसे क्या हो, डिस्पर्शन मीडियम हो बेटा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इसके नेचर में कई सारे एग्जांपल तुम देख सकते हो बेटा, कई सारे एग्जांपल आएंगे भी। कैसे, जैसे मैं बात करूं, ओशियन होते हैं, रिवर होते हैं, अरे समुद्र होते हैं, नदियां होती है बेटा, ध्यान है ना। ओके, ओशियन रिवर में हमें पता है ऑक्सीजन या बाकी अदर गैसें डिजोल्व होती नहीं होती, अरे तभी तो हमें पता, जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं पानी के अंदर। तो मैंने क्या कहा, यानी वाटर है, मैंने क्या कहा सुनना अच्छे से, वाटर है उसमें गैसेज डिजोल्व है या नहीं है, इसका मतलब वाटर है, गैस भी डिजोल्व है, तो वो क्या कोलोइडल सॉल्यूशन तो बोला जाएगा, बोल सकते हैं, लेकिन बेटा गैस कम अमाउंट में होती है, वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है, तभी तो वो ओशियन और रिवर की फॉर्म में है, अदरवाइज अगर गैस ज्यादा होती तो वो क्लाउड की तरह घूमता रहता। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, यानी गैस क्या होती है, गैसेज पार्टिकल लेस अमाउंट में होती है, और वाटर क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, समझने के लिए बता रहा हूं बेटा। तो मेरा कहने का मतलब क्या, गैस कम है, वाटर ज्यादा अमाउंट में है, तभी तो वो मैक्सिमम क्या, लिक्विड फॉर्म में मिक्सर बेटा, आ गया समझ में, ठीक है। या फिर मैं बोलूं, जैसे अपन देखते हैं क्लाउड होते हैं बेटा, बादल होते हैं, अरे क्लाउड हमें पता है एयर की फॉर्म में, एयर की फॉर्म में, एयर के साथ फ्लो करते हैं, नहीं करते, अरे फ्लो करते हैं, क्लाउड में होता ही क्या बेटा, हमें पता है एयर पार्टिकल भी होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, यस और नो? अब हमें पता है अगर वाटर मॉलिक्यूल एक्सिस में होता, वाटर मॉलिक्यूल अगर ज्यादा अमाउंट में होता, तो हमें पता वो एयर की फॉर्म में फ्लो करते क्या, नहीं बेटा, वो एयर की फॉर्म में फ्लो क्यों करते रहते हैं क्लाउड और बादल, क्योंकि एयर पार्टिकल ज्यादा है और जो ज्यादा होगा वही डोमिनेट करेगा, आ गया समझ में, यानी एयर पार्टिकल ज्यादा है उनके कंपैरिजन में वाटर मॉलिक्यूल कम होते हैं, तो क्या होता है, एयर पार्टिकल डोमिनेट करते हैं और वो एयर की फॉर्म में फ्लोटिंग करते रहते हैं क्लाउड वगैरह, बेटा समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग होगी, डिस्पर्सन मीडियम के अकॉर्डिंग होती है। जैसे सॉल्यूशन में अपन कहते हैं जैसा सॉल्वेंट होता है रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, वैसा ही दिखाई देता है, आ गया समझ में, वही बात यहां पर है बच्चों, समझ में आ गया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे एक टेबल बनी है बेटा, उसमें बताऊंगा, सिर्फ आपको एग्जांपल देगा ये किसका एग्जांपल है, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस, तो ये बात ध्यान रखनी है, क्या जो ज्यादा अमाउंट में होगा, यानी प्रैक्टिकली समझ लो कि वो कैसा दिखाई देता है, सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है, लिक्विड में दिखाई देता है, यानी किसका मिक्सर है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि सर ये इसमें डिस्पर्स फेज है, जो कम होगा वो डिस्पर्स फेज होगा, जो ज्यादा होगा वो होगा उसमें डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। समझ में आ गया, क्लियर? चलो बेटा, ये नॉर्मली दो ही फैक्टर बताए जाते हैं, लेकिन इनका एक फैक्टर और होता है बेटा, क्या ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, मैंने क्या कहा, स्टेबिलिटी एजेंट, हिंदी में क्या कहेंगे, स्थायी कारक, नाम से पता चलता है ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, स्थायित्व प्रदान करता है। तो बच्चे के दिमाग में आए, सर अगर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा मतलब पार्टिकल को रेस्ट पोजिशन में लेके आ जाएगा, यस और नो? नो बेटा, गलत है, ध्यान रखना। ओके, बच्चा क्या दिमाग लगा के आएगा, बच्चे से पूछे कि ये स्टेबिलिटी एजेंट है, तो बच्चा क्या सोचेगा, स्थायी कारक है, पार्टिकल को स्थायी अवस्था में कर देगा, लेकिन गलत है, ध्यान रखना। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पूरी कोलोइडल केमिस्ट्री उसी पर आधारित है, क्या कि कंटिन्यूअसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, क्या कहा, कंटिन्यूअसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज मेजर प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है बेटा लिख लेना, ओके, आसपास रफ कॉपी है तो लिख लो बेटा, ये शीट में शायद नहीं दे रखा, ध्यान रखना है, ओके, स्टेटमेंट ये नोट कर लेना, स्टार मार्क लगा लेना, और जब भी आपको पेपर पे प्रिंट मिले इसके पास ऐड कर लेना, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिख लो, ये शीट में नहीं है, ये लिख लो, कंटिन्यूअसली मूवेबल नेचर या रैंडमली मूवेबल नेचर, कंटिन्यूअसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, कंटिन्यूअसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, कंटिन्यूअसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, continuously movable nature of colloidal particles is major property of colloidal solution, continuously movable nature of colloidal particles, continuously movable nature of colloidal particles is major property of colloidal solution, yani colloidal कणों के, कोलोइडी कणों की लगातार गतिशील प्रवृत्ति, कोलोइडी कणों की लगातार गतिशील प्रवृत्ति,
कोलोइडी कणों की लगातार गतिशील प्रवृत्ति कोलोइडी विलयन का मुख्य गुणधर्म है। कोलोइडी विलयनों की लगातार गतिशील प्रवृत्ति कोलोइडी विलयन का मुख्य गुणधर्म है। कोलोइडी विलयन का मुख्य गुणधर्म है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये ध्यान रखना। क्या कहा बेटा? यानी पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में है, लगातार गतिशील अवस्था में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों क्या? अरे कोलोइडी विलयन क्या है? स्टेबल फॉर्म में है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो ध्यान रखना, जैसे अपना साइटोप्लाज्म का एग्जाम्पल आता है बेटा, कोशिका द्रव्य का, वो क्या होता है? कोलोइडल सोल्यूशन की फॉर्म में ही बिहेव करता है। ओके, नॉर्मली क्या करते हैं अपन? बोलते हैं नॉर्मली जैसे अपन एकदम हेल्दी रहते हैं बेटा, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है अपनी जो साइटोप्लाज्म यानी जो सेल रिएक्शन है वो क्या, यानी जो नॉर्मल तरीके से कंप्लीट हो रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ओके, इसका मतलब ये बताओ अगर अपन ठीक है तो अपनी सेल में जो क्या होती है, जो भी रिएक्शंस होती है, चाहे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो, चाहे कैटालिटिक रिएक्शन हो, कैसी भी हो, अरे आयंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब वो रेस्ट पोजीशन में है क्या? नहीं बच्चों। क्या अगर अपन नॉर्मल फेज में है, यानी होमोस्टेसिस बोलते हैं ना, अपनी बॉडी अगर ठीक है, इसका मतलब अपनी सेल रिएक्शंस यानी जो भी रिएक्शंस हो रही है अपनी बॉडी के अंदर, वो क्या, सभी नॉर्मल तरीके से कंप्लीट हो रही है। सभी नॉर्मल तरीके से कंप्लीट होने का मतलब क्या, आयंस की मूवमेंट या सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस कंटिन्यू फ्लो में है। जिस दिन आयंस की मूवमेंट रुक गई, एंजाइमेटिक रिएक्शन रुक गई, काम हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया? तो अपनी बॉडी का स्टेबल फॉर्म में होना, अपने शरीर का स्थायी अवस्था में होने का मतलब यह नहीं हमारा काम हो जाए, नहीं। अपनी बॉडी की स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या, यानी जहां पर क्या, नॉर्मली कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और डिस्टर्बेंस नहीं होने के लिए एंजाइमेटिक रिएक्शंस कंटिन्यू होनी चाहिए बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? वही बात अपन यहां बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि कोई कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल है, इसका मतलब यह नहीं है क्या करेगा कि कोलोइडल पार्टिकल एक जगह रेस्ट पोजीशन में है, विराम अवस्था में, नहीं बेटा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल है, इसका मतलब क्या, कोई कोलोइडल विलयन स्थायी है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या, मूवेबल फॉर्म में है, गतिशील अवस्था में है। समझ में आ गया? यस और नो? ना कि रेस्ट पोजीशन में है। ओके, क्योंकि अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में आ गए तो उसको कोलोइडल विलयन नहीं बोलेंगे, यानी वो अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो मैंने थर्ड फैक्टर क्या बोला बेटा, स्टेबिलिटी एजेंट है। इन दो के अलावा नॉर्मली दो बताए जाते हैं, लेकिन ये तीसरा और ध्यान रखना, क्या स्टेबिलिटी जो एजेंट होता है वो क्या करता है बेटा, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू, क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू, ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है बेटा, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू कोलोइडल सॉल्यूशन, ये क्या करता है बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर कैसे, तो क्या कहेंगे, कीप्स अवे, यानी कीप्स अवे टू कोलोइडल पार्टिकल, यानी जो कोलोइडल पार्टिकल है बेटा उनको दूर दूर रखता है। मैंने क्या कहा, कीप्स अवे टू कोलोइडल पार्टिकल, यानी स्थायी कारक, उसका काम क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो क्या कहा, कीप्स अवे टू कोलोइडल पार्टिकल्स, यानी कोलोइडल पार्टिकल को दूर दूर रखता है। बच्चा कहेगा सर पास पास आ गए तो क्या हो जाएगा, अगर पार्टिकल पास पास आ गए तो उनमें एग्रीगेशन हो जाएगा, समूहन हो जाएगा, आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, यानी ग्रुप बना लेंगे। और अगर पार्टिकल आपस में जुड़ गए तो सीधी सी बात है बेटा, मास ज्यादा होगा नहीं होगा, और मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे, गुरुत्व की वजह से पैंदे में बैठ जाएंगे और पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और जब हमें पता है पैंदे में बैठ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उनमें कोई मूवमेंट होगी क्या, नहीं बेटा, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट नहीं होगी तो कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो स्टेबिलिटी जो एजेंट होता है वो क्या करता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कैसे प्रोवाइड करवाता है बेटा, पार्टिकल को दूर दूर रखे, कीप्स अवे टू कोलोइडल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को दूर दूर रखता, उनको एग्रीगेट नहीं होने देता। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आई? फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, कोई डाउट है तो बोलो यहां तक, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं। फिर कोई भी डाउट है तो बोलो। मनीषा क्या रिपीट करना है बेटा, कंटिन्यूसली मूवेबल नेचर ये क्या, मनीषा जल्दी बोलो बेटा, कोलोइडल पार्टिकल वाली क्या, ये वाली,
कंटिन्यूसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, यही तो ठीक है बेटा। तो क्या कहा, यानी स्टेबिलिटी एजेंट क्या, यानी कंटिन्यूसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, वैसे मैंने यहां पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज मेजर प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, क्लियर। यानी क्या कहा, कंटिन्यूसली मूवेबल नेचर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज मेजर प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कोलोइडी कणों का लगातार गतिशील अवस्था में होना कोलोइडी विलयन का मुख्य गुणधर्म है। बात समझ में आ गई, क्लियर। और को डाउट है तो बोलो फटाफट। अरे बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या, बाकी को डाउट, बाकी को डाउट, आगे बढ़े बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बाकी प्रदीप, हर्ष, जयंत, अरे ऐसी बैठी हो क्या प्रदीप, हर्ष, जयंत, अरे ऐसी बैठे हो क्या क्लास में, चलो ऐसे नहीं बैठे मतलब वैसे बैठे हो, अरे वैसे बैठे हो क्या। चलो बेटा, तो ये तो अपनी बात की क्या होता है कैसे होता है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने क्या कहा, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रखना कैसे करना है क्या करना है, ओके। चलो देखते हैं इसमें कोई काम की बात दे रखी है क्या। कोलोइडल स्टेट क्या होती है मैंने आपको बताई दिया, अब एक काम करना, फर्स्ट पेज पर एक टेबल दे रखी है बेटा, उसको क्रॉस मार देना, कोई काम की नहीं है, जहाँ टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपको बता दूंगा, टाइम पास की जरूरत नहीं है। एक टेबल दे रखी है फर्स्ट पेज पर, उसको क्रॉस मार देना, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, ओके। चलो आगे पढ़ते बेटा, देखो आगे क्या दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सिस्टम, कोलोइडल सिस्टम के क्लासिफिकेशन, ओके। यहां एक टेबल दे रखी है पॉइंट ए, उसको स्टामा कर लेना बेटा, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दो तीन साल पहले जेई में क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसका एग्जांपल है, यानी ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, ऑप्शन सिर्फ ये थे, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस गैस, गैस प्लस लिक्विड, कैसे है क्या है, समझना इस बात को बच्चों। देखो रटने की जरूरत नहीं, मैंने क्या कहा, जो मैंने प्रैक्टिकली अभी आपको एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है बेटा, क्या जो ज्यादा अमाउंट में होगा फाइनल नेचर वैसी होगी, काम खत्म। मैंने क्या कहा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा फाइनल नेचर क्या होगी, वैसी ही होगी। और ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपण प्रवस्था या माध्यम, माध्यम बेटा, मीडियम, मीडियम मतलब सॉल्वेंट, इजी वे में ध्यान रखना, भूल जाओ तो, क्लियर, ठीक है। जैसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन क्या था बेटा, देखो समझना, जैसे आपको टेबल में क्या दे रखा है, कई सारे कॉलम बना रखे हैं, एक में दे रखा डिस्पर्सन मीडियम, दूसरे में दे रखा डिस्पर्स फेज, जो हमने लिखा बेटा इसके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, फिर देखा नेम ऑफ सिस्टम यानी फाइनल सॉल्यूशन कैसा बन सकता है, फिर दे रखे हैं इसके एग्जांपल, ओके। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल है, बाकी सारे एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, बस पाँच सात जो मेजर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो ध्यान रखना अपने डेली लाइफ के, कैसे जैसे फर्स्ट में क्या दे रखा है कि क्लाउड, बादल, क्लाउड हो गया, फॉग्स हो गया, मिस्ट होगी, अरे सारे क्या है, क्लाउड मतलब बादल, फॉग क्या होता है बेटा, कोहरा, जैसे विंटर टाइम में आप देखते हैं बेटा, और मिस्ट भी क्या होती है, धुंधी होती है, दोनों सिमिलर से होते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, जैसे क्लाउड की बात करें, मैंने क्या कहा, ये सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ऐसे रटोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। प्रैक्टिकली याद रखना कि क्लाउड में होता क्या है, इसका मतलब क्लाउड किससे बनता है, अरे एयर पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, यस और नो, एयर की तरफ फ्लो करता रहता है, एयर की तरफ फ्लो करता रहता है, इसका मतलब है ज़्यादा अमाउंट में तो कौन होता है, एयर होता है, और हमें पता ही बेटा वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं, वो लेस अमाउंट में होते हैं, तभी तो फ्लो करता रहता है एयर के साथ, वरना तो रिवर और ओशियन की तरह होता, यस और नो, इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे, एयर पार्टिकल ज़्यादा होंगे, जो कम होगा, वाटर मॉलिक्यूल कम है मतलब वो डिस्पर्स फेज, और जो ज्यादा होगा एयर होगा वो डिस्पर्शन मीडियम, काम खत्म। देखो इसकी डिस्पर्स फेज बोल रखी है लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम बोला है एयर या गैस, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है, फॉग हो गया, मिस्ट होगी, अरे फॉग मिस्ट हमें पता, जैसे धुंध कोहरा ये भी तो क्या होता है, हमें पता विंटर टाइम में देखते हैं बहुत ज्यादा अपन देखते हैं बेटा क्या, अरे विजिबिलिटी कम होती नहीं होती, क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो एयर होती है इसमें क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो ऐसे मान लो फैले हुए होते हैं बेटा, ठीक है, बिखरे हुए होते हैं, तो क्या होते हैं, इसका मतलब वो हमें पता बॉटम पे तो नहीं है, वो एयर की फॉर्म में फ्लो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता एयर पार्टिकल ज्यादा अमाउंट में है, वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो बात वही आ गई बेटा, कम वाला यानी वाटर लिक्विड क्या होगा, डिस्पर्स फेज, और जो ज्यादा होगा यानी एयर क्या होगा, गैस क्या होगी, डिस्पर्सन मीडियम, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर आपको क्या दे रखा, देखो सेकंड एग्जांपल आगे दे रखा बेटा, सेकंड कॉलम में स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, ठीक है, स्मोक में होता क्या बेटा, नॉर्मली हमें पता है स्मोक भी क्या करता है, अरे गैस की फॉर्म में फ्लो करता नहीं करता, करता है, इसका मतलब गैस की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट तो गैस की होगी, क्लियर। लेकिन हमें पता है स्मोक हार्मफुल क्यों होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कई सारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, अरे इकोलॉजी में डिटेल से पढ़ते हैं बेटा, ध्यान है ना, अपन क्या करते हैं, कई छोटे छोटे माइक्रो, इकोलॉजी में एक डाटा भी दे रखा है, लेस देन 25 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, यस और नो, अरे पढ़ा है ना। तो क्या करते हैं बेटा, अपन क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली अगर पार्टिकल्स की बात करें तो क्या कहेंगे,
यानी कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं और वो गैस की फॉर्म में फ्लो करता है, स्मोक एंड धुआं, तो क्या स्मोकिंग, इसलिए तो बोलते हैं धूम्रपान। ओके, कि जो आप बीड़ी पीते हो बेटा वही है, कैसी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यानी क्या स्मोक की बात करें तो क्या करेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स प्लस गैस, इसका मतलब जो ज्यादा कौन होता है फ्लोटिंग, तभी तो करता है वो गैस की तरह, इसका मतलब ज्यादा होगा वो गैस, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, गैस हो गया, और कुछ उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो कम अमाउंट में होंगे वो डिस्पर्स फेज। बात समझ में आई। इसके आगे दे रखा बेटा डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म बोला जाता है बेटा हवा में धूल के कण, क्या बोला जाता है, हवा में धूल के कण। अरे कोई गांव से बच्चा है तो उसने नाम सुना होगा, एक वर्ड आता है बेटा बम्बोलिया, अरे नाम सुना क्या अंग्रेजों, तुमने शायद ही सुना होगा, क्या बोला जाता है, यानी बहुत ज्यादा से आंधी वगैरह आती है बेटा, देखा होगा, तो क्या होता है डस्ट पार्टिकल, क्या अरे ऐसे में हम साइकिल करते करते बेटा क्या फ्लो करते रहते, नहीं करते, करते हैं बेटा। इसका रीजन क्या है, इसका मतलब वो एयर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, एयर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट क्या है गैस की है, तभी तो वो एयर की नेचर शो कर रहे हैं, यस और नो। लेकिन हमें पता गैस ज्यादा है, डिस्पर्सन मीडियम, और साथ में डस्ट पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है या नहीं है, तो सॉलिड डिस्पर्स फेज हो गया। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। आगे एग्जांपल क्या दे रखा है, व्हिप्ड क्रीम हो गया, फॉर्म ऑफ बियर हो गया, फॉर्म ऑफ कोका कोला, ये सब कुछ रटने की जरूरत नहीं बेटा। नॉर्मली देखे फॉर्म ऑफ कोका कोला, अरे जैसे आप जैसे बियर देखते हो बेटा, पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखते हो, आप चीयर्स करते हो बेटा, ओके, तो नॉर्मली आपने देखा होगा वो क्या होता है, जैसे अपन एक हेनरी लॉ आता है बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में, उसमें देखोगा CO2 को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है लिक्विड के साथ, तो जैसे आप कैप को ओपन करते हो क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ वो CO2 बाहर आती है, क्या होता है, यानी फॉर्म वाली कंडीशन होती है, झाग वाली कंडीशन होती है बेटा, यस और नो। तो क्या होता है, लिक्विड तो होता है, अरे कोल्ड ड्रिंक्स में लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है गैस भी मिक्स होती है, गैस कम होती है लिक्विड के कंपैरिजन में, अदरवाइज गैस ही सूंघते रहते हैं अपन, लेकिन क्या है लिक्विड ज्यादा होता है तो अपन इसको ड्रिंक फॉर्म में यूज करते हैं, ओके। तो मेरा कहने का मतलब क्या, गैस कम है इसका मतलब डिस्पर्स फेज, लिक्विड ज्यादा होता है तो डिस्पर्सन मीडियम, यानी क्या होगा, यानी सॉलिड एंड क्या होगा, गैस प्लस लिक्विड, इस टाइप का है, काम खत्म। तो बियर या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें वो भी ऐसा है। फिर नीचे दे रखा बेटा मिल्क, मिल्क आप देखते हो बेटा क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड वाली कंडीशन होती है, आपने देखा होगा 90% तो वाटर ही होता है उसमें, और जो फैटीज फैट्स वगैरह होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में उसमें डिसॉल्व होती है, तो लिक्विड प्लस लिक्विड वाली कंडीशन होती है। आगे दे रखा बेटा इसमें गम, स्टार, सोल, इंक, ब्लड, प्रोटीन वगैरह कोई खास बात नहीं है। फिर नीचे दे रखा मिनरल्स, ग्लास, डायमंड, क्या बच्चों देखो रूबी ग्लास, एलोए, पल्स, यानी कई सारे दे रखे बेटा, खनिज लवण हो गए, मिनरल्स यानी मोती, डायमंड वगैरह कई सारे कैसे दे दिए, तो एलोए, मिश्र धातु, ये सब क्या, अरे सॉलिड प्लस सॉलिड यानी हार्ड फॉर्म में तो होते हैं, तो सॉलिड प्लस सॉलिड से मिलकर बने होते हैं। फिर नीचे एग्जांपल क्या दे रखा है, कर्ड, बटर, चीज वगैरह, जिलेटिन, हाँ ये काम की चीज है बेटा, सारे खाने पीने वाले आ गई, यानी क्या, अरे दही आ गया, मक्खन आ गया, चीज, पनीर आ गया, ये सब क्या बेटा देखते हो, हमें पता है लिक्विड तो होते ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है सारे क्या मिल्की सबस्टांस से बने हैं, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें पता है बेटा इसकी सॉलिड फेज जो होती है यानी फैट होती है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं बेटा, तो क्या करते हैं जो ज्यादा अमाउंट में होता है तभी तो वो हार्ड होते हैं, मिल्क की तरह सॉफ्ट नहीं होते बेटा, तो क्या करेंगे ज्यादा अमाउंट में होगा, मैंने क्या कहा नेचर वैसा ही होगा, तो ये सॉलिड प्लस लेस अमाउंट में लिक्विड, तो क्या होगा डिस्पर्स फेज, तो लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड बेटा। बात समझ में आई, ठीक है। और क्या देर का है, ड्राई सी फॉर्म, प्यूमिक स्टोन, फॉर्म रबर, कोर्क, ब्रेड, लावा, ये सब बकवास है बेटा, ठीक है। हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना, लास्ट में देखा लावा, ठीक है, लावा था ना, अरे ज्वालामुखी वगैरह अपन देखते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या दे रखा है, लावा में देखते हो बेटा, जब मान लो कोई भी ज्वालामुखी वाला वल्केनाइन में अपन बोलते हैं बेटा ना, वल्केन पर क्या होता है, उसमें देखो गैसेज यानी गैस क्या होता है, कई कई किलोमीटर तक बेटा क्या होता है सब ऐसे, यानी विजिबिलिटी कम हो जाती, नहीं हो जाती, क्योंकि क्या होता है चारों तरफ बेटा क्या है, नहीं विजिबिलिटी कम होने का रीजन क्या, गैसेज पार्टिकल फैल जाते हैं, लेकिन हमें पता उसमें क्या होता है, गैस तो होती होती है, साथ में कई सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं बेटा, यस और नो। लेकिन ज्यादा करेक्टर होता है बेटा गैस टाइप से, यानी क्या होगा डिस्पर्सन मीडियम, तो क्या होगा यानी क्या होगा बेटा, इसके मीडियम की बात करें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और गैस की नेचर भी होती है, तो गैस प्लस सॉलिड वाली प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा, यह जो टेबल दे रखी है बेटा, इसमें सारे 50 जो एग्जांपल दे रखे सारे रटने की जरूरत नहीं है, बस क्लाउड, मिस्ट, मिल्क या फिर बटर, चीज, पनीर या फिर लावा, ये 5-10 एग्जांपल याद रखना बेटा, ये किससे मिलकर बना है, और ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, उसका नेचर कैसा होता है बस ये ध्यान रखना, जैसा नेचर है इसका और इसमें कौन कौन प्रेजेंट होता है आइडिया लगा ही सकते हो प्रैक्टिकली, इतना तो कॉमन सेंस हमें होता है कि स्मोक होगा वो किस किस से मिलकर बनता होता है, फोग किससे मिलकर बना होता है, जो लावा होता है बेटा ठीक है वो किससे मिलकर बना होता है, फिर उसमें ज्यादा कौन होता है वो डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा, जो कम अमाउंट में होता है वो डिस्पर्स फेज हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा, ये जो टेबल मैंने एक्सप्लेन की है कैसे आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया, यस और नो। अरे यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट,
फटाफट जल्दी बोलो, यहां तो कोई दिक्कत हो रही है? टेबल मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, कोई दिक्कत हो तो बोलो। इसमें ये जो चार पांच एग्जांपल है डेली लाइफ वाले बेटा, इनको अंडरलाइन कर लेना, जब भी आपके पास पेपर पे प्रिंट हो मोबाइल पे मारकर मत मार देना। चलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं बेटा जिंदगी में। देखो बच्चों क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है बेटा। देखो नॉर्मली क्या होगा, और एक चीज जरूर ध्यान रखना बच्चों, क्या नॉर्मली क्या करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर में अपन ने बात की थी कि जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या कहा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी विले प्लस विलायक मिलकर क्या विलयन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन अपन देख सकते हैं, याद है ना। अरे सबसे पहले सॉलिड प्लस सॉलिड, फिर लिक्विड प्लस सॉलिड, फिर गैस प्लस सॉलिड, याद है ना। यानी सॉल्वेंट की फॉर्म में मैंने सॉलिड यूज किया है, ठोस यूज किया है, और सॉल्यूट की फॉर्म में 1/1 सॉलिड लिक्विड गैस यूज किया, 3 हो गए, क्लियर। अब सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या करूंगा, लिक्विड को यूज कर रहा हूं, और सॉल्यूट की फॉर्म में 1/1 वही सॉलिड लिक्विड गैस इनको मिक्स कर रहा हूं, 3 सॉल्यूशन और बन गए। फिर सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या कर रहा हूं बेटा, गैस को यूज कर रहा हूं, और सॉल्यूट की फॉर्म में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को 1/1 यूज कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, समझ में आया? अरे एक को फिक्स कर दो, इजी वे में समझने के लिए मैंने सॉल्वेंट को फिक्स किया, पहले सॉलिड माना है सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट को तीनों मान रहा हूं 1/1 स्टेप बाय स्टेप, पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन बन गए। फिर मैं सॉल्वेंट को लिक्विड बोल रहा हूं, फिक्स कर दिया, और सॉल्यूट तीनों टाइप के कंसीडर कर रहा हूं, 3 सॉल्यूशन और बन गए, ठीक है। फिर सॉल्वेंट को गैस मान रहा हूं, और सॉल्यूट 3 टाइप के कंसीडर किए, तो 3 सॉल्यूशन और बन गए। तो सॉल्यूशन में तो टोटल 9 टाइप के मिक्सर बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं, 9 टाइप के टोटल सॉल्यूशन बन सकते हैं। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में बच्चा कहेगा सर 8 टाइप का क्यों बन रहा है, 8 यानी 9 वाला कहां गया? तो 9 वाला ध्यान रखना बेटा, गैस प्लस गैस कभी भी कोलोइडल सिस्टम नहीं होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा, ठीक है। नीचे मैंने स्टार मार्क करके ऐड भी करवा रखा है, इसमें क्या कहा, गैस प्लस गैस कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस प्लस गैस हमेशा क्या होती है, होमोजेनस मिक्सर बनाती है। मैंने क्या कहा, गैस प्लस गैस से हमेशा क्या होता है बेटा, होमोजेनस मिक्सर बनता है, और जो होमोजेनस मिक्सर होता है वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बोला जाएगा। मैंने क्या कहा था, हेटरोजेनस मिक्सर है, पॉसिबल है, तो ही अपन क्या कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन बन सकता है। लेकिन गैस प्लस गैस है क्योंकि हमें पता है गैस की रिएक्शन करने की टेंडेंसी, मिक्सिंग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या होती है, पूरी तरह मिक्स हो जाती है, तो वो होमोजेनस नेचर की होगी। और अगर होमोजेनस है तो कभी भी ये बताओ बेटा वो क्या करेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकता है क्या? नहीं। तो 9 की जगह टोटल सॉल्यूशन 9 टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, 8 टाइप के, 8 प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब क्या दे रखा है बच्चों, देखो आगे कई सारी प्रॉपर्टी दे रखी है। जैसे इसमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, बच्चों देखो क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सिस्टम बात करे थे, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला अपने क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है लिक्विड है गैस है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक प्रॉपर्टी कंसिडर की है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई ना, क्लियर, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज के टाइप कैसे है बेटा, इसमें तो कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक टाइप बोला मल्टी मोलिकुलर कोलोइड, मल्टी मोलिकुलर नाम से पता चल रहा है, इसमें कोलोइडल पार्टिकल क्या होते हैं, मल्टी मोलिकुलर फॉर्म में होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फोरस P4 सल्फर S8, काम खत्म, मल्टी मोलिकुलर नाम से पता चल जाएगा, ऐसा मोलिकुलर होगा जिसमें कई सारे पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं, कैसे, फॉस्फोरस में P4 सल्फर में S8, यस और नो, काम खत्म, अब रटने की जरूरत नहीं है, ओके। आगे क्या बोला है, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड, इसका मतलब क्या होता है, देखो बायोटाइप से चैप्टर है, एग्जांपल बेस्ड है बेटा मैक्सिमम, ये किसका एग्जांपल है, वो किसका एग्जांपल है, बस हेडिंग का मीनिंग समझो, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट इसको फॉलो कर रहा है, ये ध्यान रखना है। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड है, मैक्रोमोलिकुलर नाम से पता चल रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल, अरे सेल बायो में पढ़ते नहीं पढ़ते, तो जो क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, काम खत्म, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, सेल बायो में जो हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स, वो सारे क्या इसमें एग्जांपल आ जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना, स्पेशली अगर मेंशन कर दे कि नेचुरली कौन सा होगा, आर्टिफिशियल कौन सा होगा, तो ये ध्यान रखना, नेचुरल की बात करें तो क्या होगा, प्रोटीन स्टार्च जिलेटिन गम, गम गोंद वाला, वो वाला गम नहीं, प्रोटीन स्टार्च गम जिलेटिन सेलुलोज, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये तो नेचुरल वाले में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में क्या आ जाएंगे, प्लास्टिक रबर नायलॉन वगैरह, ये सब क्या आ जाएंगे बेटा, आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। समझ में आ गया, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड मतलब क्या, जो मैक्रोमोलिक्यूल यानी बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, काम खत्म, क्लियर। चलो बेटा अब थर्ड
इसमें दे रखा बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको मैं क्या करूंगा बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा बेटा। ओके, मैंने क्या कहा, थर्ड टाइप क्या बात कर रहा है बेटा, एसोसिएटेड एसोसिएटेड कोलॉइड यानी संगुणित कोलॉइड बेटा, ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड। बोर्ड पे समझना बेटा अच्छे से क्या होता है कैसे होता है बेटा। देखो एसोसिएटेड कोलॉइड संगणित कोलॉइड बेटा, इसमें अपन क्या करेंगे बेटा, जैसे क्या करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड में क्या करेंगे अपन, धोने सुखाने वाला केस देखेंगे बेटा। जैसे कल आपको याद है मम्मी ने कहा था कपड़े धो, तो पापा ने कपड़े धोए थे, याद है ना। देखो बेटा आज इसी डिटेल से समझेंगे कि पापा कैसे कपड़े धोते हैं और कैसे सुखाते हैं बेटा, ठीक है। चलो बेटा देखो कैसे करना क्या करना, समझना इस बात को। एसोसिएटेड कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड का मतलब क्या होता है, एसोसिएट जुड़ना, मैंने क्या कहा संगुणित कोलॉइड, मतलब संगुणित मतलब क्या आपस में मतलब मल्टी आके ऐड हो जाना बेटा। ओके, एसोसिएटेड कोलॉइड यानी वो कोलॉइड, क्या कहा वो कोलॉइड यानी वो पार्टिकल, वो सबस्टांस, वो पदार्थ जो क्या जिनकी कंसंट्रेशन कम होने पर तो क्या होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के समान व्यवहार दर्शाते हैं। मैंने क्या कहा, द सबस्टांस विच आर बिहेव लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लोअर कंसंट्रेशन एंड बिहेव लाइक कोलोइडल सॉल्यूशन एट हायर कंसंट्रेशन कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलोइड। मैंने क्या कहा, वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर तो सामान्य विद्युत अपघट्य के समान व अधिक सांद्रता पर क्या करते हैं कोलोइडी विलयन के समान व्यवहार दर्शाते हैं उनको बोला जाता है एसोसिएटेड कोलोइड संगुणित कोलोइड बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो होता है बेटा एग्रीगेशन, यहाँ पर एक वर्ड आएगा बेटा क्या, यानी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन की बात करें बेटा तो क्या करेंगे, एग्रीगेशन की अपन बात करें, मैंने क्या कहा देखो बेटा एक वर्ड अपन क्या कहा एग्रीगेशन, जैसे बार बार यहाँ पर बोलेंगे एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, वही बात है एसोसिएशन को ही अपन बोलते हैं, एग्रीगेशन बोले या एसोसिएशन बोले तो उनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर मिसेल बोला जाता है बेटा। क्या कहा मैंने, बोला है अभी मिसेल, तो ये ध्यान रखना ये जो मिसेल मैंने बोला है बेटा ओबामा वाली मिसेल नहीं है, मिसेल जैसे अपन क्या कहेंगे, मिसेल के लिए अपन क्या कह सकते हैं जैसे फॉर्म ऑफ सॉप, क्या कहा फॉर्म ऑफ सॉप यानी सॉप के जो फॉर्म होते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बेटा, मिसेल वर्ड यूज किया जाता है बेटा। ओके, तो ध्यान रखना मिसेल जो एग्रीगेटेड एसोसिएटेड कोलॉइड होते हैं उनके लिए एक वर्ड क्या यूज करता है बेटा, यानी मिसेल, बार बार यहां पर नाम आएगा मिसेल मिसेल मिसेल। तो मिसेल का मतलब क्या होता है, जो अपनी सॉप के जो फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं मिसेल बोला जाता है बेटा। बात समझ में आ गई, क्लियर। और ये जो मिसेल होती है बेटा, तो मैंने क्या कहा जैसे इनके एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं, सॉप हो गए या फिर डिटर्जेंट हो गए बेटा। बात समझ में आई क्या, यानी सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट यानी अपमार्जक वगैरह या फिर सोप यानी साबुन वगैरह। ओके, और ये जो डिटर्जेंट होते हैं इसमें मेनली क्या होता है बेटा, दो नाम बार-बार आते हैं। क्या कहा, दो नाम बार-बार देगा बेटा, वो आपको ध्यान रखना बेटा क्या, एक तो आता है बेटा सोडियम पामिटेट, मैंने क्या कहा सोडियम पामिटेट, सोडियम पामिटेट। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C15H31CONa। ओके, ठीक है, एक एग्जांपल देगा बेटा सोडियम स्टीयरेट, क्या कहा सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट इसका फॉर्मूला होता है बेटा C17H35CONa। शीट में तो वैसे तीन चार एग्जांपल और दे रखा है, सोडियम ओलियट लोरिन सल्फेट, बाकी बकवास रटने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ओके, ये दो एग्जांपल याद रखना, मैंने क्या कहा सोडियम पामिटेट। याद रखने का तरीका बेटा क्या करते हैं, जैसे अरे एल्केन होता है CnH2n+2 यानी हाइड्रोजन कार्बन का डबल करके 2 ऐड करते हैं बेटा, फिर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या करते हैं एक हाइड्रोजन इसका फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं। वैसे ध्यान रखना क्या C15 है तो क्या करेंगे C15 डबल करके प्लस 2 करते तो कितना होता 32, एक हाइड्रोजन हटा के फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो COONa। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर, ठीक है। सोडियम स्टीयरेट C17 डबल करके प्लस 2 कर दो क्या होगा 34+2 एंड 36, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो क्या हो जाएगा C17S35COONa, क्लियर। और एक ट्रिक दिमाग में सेट रखना बेटा, पामिटेट यानी P4 15, बात समझ में आई क्या, स्टीयरेट S4 17, अरे अंग्रेजों समझ जाओगे क्या 15 17 15 17, बात समझ में आई क्या, एक हिंट दिमाग में सेट है क्या, सीधा भी पूछ लेता पामिटेट स्टीयरेट कौन सा है, लेकिन कम से कम बेसिकली आइडिया होना चाहिए कैसे मुझे दिमाग में सेट करना है क्या पामिटेट यानी 15 15 कार्बन, क्लियर। बस इतना ध्यान रखना पामिटेट यानी P4 15 यानी कार्बन 15 15 कार्बन एटम होंगे तो क्या होंगे उसका डबल करके +1 कर दो S31 31 COONa ऐड करूंगा, क्लियर। स्टीयरेट
क्लोरीनेट S417, ऐसा कोई भी हिंट हम कर सकते हैं, यानी कार्बन 17 हो गए, डबल करके प्लस वन कर दो, यानी H कितना हो गया 17 का डबल 34, प्लस वन 35 और COONA, समझ में आ गया मैंने क्या कहा बेटा। तो क्या कह सकते हैं अपन है? ये सब सोप डिटर्जेंट यानी क्या होते हैं बेटा, यानी एसोसिएट कोलोइड का एग्जांपल होते हैं। इसमें ये ध्यान रखना, नॉर्मल जो सोप डिटर्जेंट होता है उसमें कौन सा होता है, सोडियम स्टीयरेट ही होता है बेटा। ओके चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, और एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये जो मैंने मिसेल बोला है, ये जो मैंने मिसेल बोला है, मिसेल का फॉर्मेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन से हायर वैल्यू पर होता है। मैंने क्या कहा, मिसेल का फॉर्मेशन, मिसेल क्या है, सिंपल वे में मैंने बोला बेटा, फॉर्म ऑफ सोप है, साबुन के जो झाग है बेटा। ओके क्या कहा, मिसेल का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा वैल्यू पर और पर्टिकुलर टेंपरेचर से ज्यादा टेंपरेचर पर ही होता है। ये जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मैंने बोली है, इसको बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, और ये वैल्यू होती है बेटा ऑलमोस्ट 10^-3 मोल पर लीटर। बात समझ में आई क्या? ठीक है। और टेंपरेचर क्या होता है, क्राफ्ट टेंपरेचर। मैंने क्या कहा बेटा, टेंपरेचर यानी क्राफ्ट टेंपरेचर। मेरा कहने का मतलब क्या, सिंपल सी बात है बेटा, कि मिसेल का फॉर्मेशन होगा, मिसेल है क्या, फॉर्म ऑफ सोप, साबुन के झाग। बात समझ में आई क्या, मिसेल का फॉर्मेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन पर और एक पर्टिकुलर टेंपरेचर से ज्यादा टेंपरेचर पर होता है। वो जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ये होती है 10^-3 मोल पर लीटर। क्लियर। और क्राफ्ट टेंपरेचर, बच्चा कहेगा सर ये कितना होता है, तो वो नेचर करेगा, डिपेंड करेगा कैसा डिटर्जेंट है, क्या है। ओके ठीक है, प्रैक्टिकली इस बात को समझ सकते हो। नॉर्मली क्या होगा, जैसे आप कपड़े वगैरह धोते हो बेटा, अरे धोए है ना, उस पर देखा होगा आपने क्या, जैसे आपने क्या किया, जैसे एक बार मान लो कांटेक्ट किया बेटा, देखो जैसे कपड़ों का और क्या सोप का कांटेक्ट मिल गया, ऐसा फ्रिक्शन किया तो क्या होगा, अरे हाथ वाथ क्या हो गई, मिसेल बन गया क्या, फॉर्म वगैरह झाग वगैरह बन गए क्या, नहीं बेटा, आप सुबह से ले शाम तक, सुबह से ले शाम तक लगे रहते हो बेटा, अरे लगे तो देखो, कभी पापा को देखा होगा कभी गौर से, सुबह से ले शाम तक लगे रहते होंगे बेटा, तब जाके क्या होता है, अरे फॉर्म ऑफ झाग यानी क्या होता है, झाग का यानी सोप वगैरह क्या काम करना स्टार्ट करती है। इसका मतलब क्या, नॉर्मली क्या, जब पापा ने एक दो बारी फ्रिक्शन किया था तब तो क्या होता बेटा, ऐसा नहीं कि मम्मी के डर से बार बार फ्रिक्शन कर रहे हैं ऐसे कि वो डांटेगी, नहीं बेटा, क्योंकि जब तक बार बार फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक तो क्या होगा, मिसेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और जब तक मिसेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा कपड़ों की धुलाई ही नहीं होगी बेटा, तो जब तक धुलाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बेटा, ध्यान रखना। ओके तो रगड़ते रहते हैं पापा दोपहर तक, रगड़ते रहते हैं, पता खाना नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जब क्या सोप पर क्या, कपड़े पर क्या हो जाएगा, सोप की कंसंट्रेशन, डिटर्जेंट की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, वो मिसेल का फॉर्मेशन करने लगता है, यानी फॉर्म वगैरह बनने लगते हैं बेटा। समझ में आ गया? क्लियर। तो ये होती है क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। एक बच्चों आपने नॉर्मली गांव में एक वर्ड सुना होगा, क्या कई बार एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि कपड़ों को जब भी भिगोते हैं डिटर्जेंट के अंदर, पाउडर के अंदर, तो क्या होते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करना चाहिए बेटा। ओके इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा, क्या करता है, वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, तो क्या होता है बेटा, वो इजीली क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल है, ऑयल ड्रॉप्स है, उनको ईजिली रिमूव कर देता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो क्लीनिंग रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा बेटर तरीके से कंप्लीट होती है बेटा। ओके बात वही आ रही है क्या, अगर टेम्परेचर पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, मिसेल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, मिसेल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो क्लीनिंग एक्शन है और धोने की प्रक्रिया वो क्या होगी, ज़्यादा आसानी से संपन्न होगी। बात समझ में आई, और पापा की जान बच जाएगी। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया, यस और नो? चलो बेटा अब बात करते हैं थोड़ा सा, बच्चों देखो इसकी स्ट्रक्चर वगैरह पे आते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, बच्चों समझना इस बात को। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ बेटा, देखो क्या, तो नॉर्मली देखो एक बात अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे, ये जितने भी क्या होते हैं एसोसिएट कोलोइड होते हैं, अपन क्या करेंगे, इसकी एक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मूले की बात करूँ, तो एक हमें पता है इसमें एल्किल ग्रुप होगा, अरे चाहे C15 हो, 31 चाहे 17, 35 हो, एक एल्किल ग्रुप होगा, साथ में क्या होगा, COONA, साथ में मेटल ऐड होगी, COONA साथ में ऐड होगा, तो इसको मैं सिंपल वे में क्या लिख रहा हूँ, RCOOM। अरे समझ में आ रहा है बेटा, मैंने क्या लिखा है, RCOOM। क्लियर। अब क्लीनिंग एक्शन होती कैसे बेटा, ये समझना। तो नॉर्मली क्या, जब भी ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, यानी आयनाइज हो जाता है, यानी RCOO- और M+ बोला है, यानी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, RCOO- और M+। क्लियर ठीक है बेटा। और ये जो RCOO- होता है इस टाइप से होता है, RC यानी COO-। क्लियर। ये जो होता है बेटा इसको बोला जाता है नॉन पोलर टेल। क्या बोला जाता है, नॉन पोलर टेल, यानी ऐ ध्रुवीय पुच्छ, ठीक है बेटा। और ये होता है बेटा, इसको बोला जाता है पोलर हेड,
यानी ध्रुवीय शिरा। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन हमें पता है कैसी होती है, नॉन पोलर होती नहीं होती, तो ये होता है नॉन पोलर टेल और ये होता है बेटा पोलर हेड यानी ध्रुवीय शिरा, क्योंकि पोलर है देखो माइनस चार्ज होता नहीं होता, होता है बच्चों क्लियर। और ये जो होता है नॉन पोलर टेल होती है, ये होती है बेटा हाइड्रोफोबिक नेचर। मैंने क्या कहा? हाइड्रोफोबिक क्या बोला जाता है, यानी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है इसकी। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब क्या है बेटा? फोबिक, फोबिया दूर भागने वाला। जैसे आपको बेटा हाइड्रोफोबिया, आप नहाते नहीं हो कई कई दिन तक बेटा, वो भी कैसा है? हाइड्रोफोबिक वाटर से दूर भागना बेटा। ओके, ये कैसा होता है बेटा? ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर। मैंने क्या कहा? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक नेचर ये वाटर के लिए अट्रैक्शन वाली नेचर होती है जैसे हम होते हैं बेटा। ओके, यानी इनको वाटर से डर नहीं लगता बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ में आया? बच्चा कहेगा सर इसका क्या यूज है, इसका मतलब क्या है? तो देखो बेटा इसका यूज क्या, मतलब क्या, अब अच्छे समझना। नॉर्मली क्या होता है, जब क्या होती है, सर्फ डिटर्जेंट या सोप की अमाउंट कम होती है, कंसेंट्रेशन कम होती है, उस कंडीशन में तो क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, देखो यहां से मैं थोड़ा सा बेटा क्या कर रहा हूं, बोर्ड पे जैसे मैं एक काम करूं, यहां से स्क्रीन शॉट लो बेटा, स्क्रीन छोड़ लो फिर समझते हैं, यहां से स्क्रीन छोड़ लो फटाफट, स्क्रीन छोड़ लो बेटा, बोर्ड पे जगह का अभाव है, स्क्रीन छोड़ लो, ले लिए। आगे बढ़े बेटा, अरे आगे बढ़े जिंदगी में, चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों। देखो क्या होगा, कैसे होगा, समझना इस बात को। तो नॉर्मली अगर अपन बात करें बेटा, ये तो अपन बात की इसका, देखो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अब बात करते हैं मेजर पॉइंट पर आते हैं, जो अपने कहा था पापा के कपड़े धोने वाला केस होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो बेटा देखो कैसे करना, क्या करना, नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, जब कंसेंट्रेशन कम होती है, सोप या डिटर्जेंट की कंसेंट्रेशन कम होती है, ये मान लो जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो सोप या डिटर्जेंट की कंसेंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा बेटा, जो पोलर हेड है, और ये ध्यान रखना बेटा, ये जो अपने बोला है यानी नॉन पोलर टेल और पोलर हेड बोला है, इसको नॉर्मली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता है बेटा, ऐसे। बात समझ में आई क्या? क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनिक में देखा होगा ऐसे, क्या अरे सांप टाइप स्नेक टाइप से बेटा अपन बार बार रिप्रेजेंट करते नहीं करते, तो नॉन पोलर टेल को क्या ऐसे लिखेगा और पोलर हेड को ऐसे डिनोट करता है बेटा। ओके ठीक है, तो क्या कहा, जब क्या होती है यानी जो कोलोइड की कंसेंट्रेशन कम होती है, कम होती है तो क्या होता है, पोलर हेड तो क्या होता है इनसाइड होता है। मैंने क्या कहा, पोलर हेड तो क्या होता है अंदर की साइड होता है, और नॉन पोलर टेल क्या होती है पॉइंटेड टू आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड यानी बाहर की साइड में क्या होती है, नॉन पोलर टेल की डायरेक्शन होती है। ओके ठीक है बेटा, अब क्या कर रहे हैं पापा, बार बार साबुन रगड़ते जा रहे हैं, रगड़ते जा रहे हैं, रगड़ते जा रहे हैं मम्मी के डर से, तो क्या होगा बेटा, एक्चुअल में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखो बेटा, इस कंडीशन में समझते हैं अच्छे से कैसे करना, क्या करना। हमें पता जो हाइड्रोकार्बन चैन होती है, अरे हाइड्रोकार्बन चैन होती है, उसमें हमें पता है सीधी सी बात है कार्बन में चैन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती नहीं होती, कार्बन में चैन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, तो क्या होगा बेटा, जो हाइड्रोकार्बन की चैन है वो आपस में एग्रीगेट हो जाती है, समूह बना लेती है, जुड़ जाती है, चिपक जाती है। ओके, तो क्या होता है बेटा, ये जो हाइड्रोकार्बन चैन है मान लो इस टाइप से आपस में ग्रुप बना लेती है बेटा, इस टाइप से कई सारे ग्रुप बन जाएंगे। तो बच्चा कहेगा सर इनका फायदा क्या है, इनका फायदा ये है बेटा, कई सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन ग्रुप बनाएगी। तो ध्यान रखना, जहां पर ये मान लो डस्ट पार्टिकल है, बीच में डस्ट पार्टिकल है, ऑयल पार्टिकल है, कुछ भी है बेटा, डस्ट पार्टिकल हो चाहे ऑयल पार्टिकल हो, ये बीच में पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा फोम वगैरह होते, झाग वगैरह होते बेटा, तो ऐसे क्या होता है बबल्स टाइप से या क्या फोम टाइप से ग्रुप होता नहीं होता, ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं बेटा। ओके, यही होता है बेटा मिसेल, इसी को बोलते हैं। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब क्या सोप या डिटर्जेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है कई सारी हाइड्रोकार्बन चेन आपस में क्या करती है बेटा, आपस में यानी ऐड हो जाती है बेटा, एग्रीगेट हो जाती है, यानी जहां पर डस्ट पार्टिकल ऑयल पार्टिकल की बात करें उसके चारों तरफ फैल जाती है, यानी आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है। बच्चा कहेगा सर इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा यह होता है हमें पता है ये नेगेटिव ग्रुप है या नहीं है, अरे पोलर हेड पर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर। अब हमें पता कपड़े वाटर में धो रहे हैं, सीधी सी बात है बेटा, तो क्या करें तेल के साथ धो नहीं रहे, तो हमें
पता है इसमें कई सारे वाटर मॉलिक्यूल होते नहीं होते H2O, अरे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे वाटर मॉलिक्यूल है। बच्चा कहेगा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल बेटा फर्क पड़ेगा, हमें पता वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर होता नहीं होता, तो ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या, आपने देखा होगा बेटा जब क्या होते हैं, यानी सर्फ वगैरह, सोप वगैरह, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लेते हैं पापा, तो लास्ट में क्या करते हैं बेटा, बाल्टी या क्या टप में डबो डबो कर क्या करते हैं बेटा, बार बार ऐसे करते हैं कपड़ों को। अरे करते नहीं करते, देख लेना बेटा, नहीं देखा हो तो। इसका रीज़न क्या होता है बेटा, इसका रीज़न ये होता है क्यों, क्योंकि वाटर के कॉन्टैक्ट में जब ये मिसेल आता है तो हमें पता है पोलर नेचर का होता है, और पोलर पोलर लाइक डिजोल्व लाइक, याद है ना, तो पोलर पोलर में क्या होता है अट्रैक्शन होता है बेटा। कैसे, जैसे मान लो ये H+ क्या करेगा, इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा बेटा, और ये H+ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये H+ इसको अट्रैक्ट करे, ये H+ इसको अट्रैक्ट करे, ये H+ इसको अट्रैक्ट करे, ये H+ इसको अट्रैक्ट करे। तो मेरा कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में आएगा, और हमें पता कपड़ों को देखो, गाँव की हर चीज़ में साइंस होती है बेटा, ध्यान रखना। आप कहोगे सर मोगरी से पीटते हैं, उसमें कौन सी साइंस है, उसमें भी कुछ ना कुछ होगा बेटा, वो डिटेल से बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या करें, कपड़ों को टब या बकेट में बार बार डुबो के बेटा अपन क्या करते हैं, इसे ऊपर क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, जैसे अपन उसको ऊपर उठाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल फ्रिक्शन के साथ क्या होगा, नीचे की तो बॉटम की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे फ्रिक्शन के क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, बॉटम की तरफ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इस चेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा, यस और नो। इसका मतलब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से ये चेन वापस ब्रेक हो जाएगी, और चेन जहां से मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बीच में से। जब ये चेन यहां से ब्रेक हो जाएगी तो हमें पता है ये जहां पर टच में थी, कॉन्टेक्ट में थी, जहां पर इसने आपस में एग्रीगेशन किया था, कोई भी ऑयल ड्रॉप या कि डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा बेटा, यानी कुछ पार्ट मान लो इसके साथ चला गया, कुछ पार्ट इस चैन के साथ चला गया, कुछ पार्ट इस चैन के साथ चला गया, कुछ पार्ट इधर, कुछ पार्ट इधर, कुछ पार्ट इधर। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो भी ऑयल ड्रॉप होती है, डस्ट पार्टिकल होता है, उसके टुकड़े 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 हो जाते हैं, और वो जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ होते हैं, उसकी सरफेस को छोड़कर अलग हो जाता है बेटा। समझ में आ गया, यस और नो, बात समझ में आई। तो ये मैंने धोने और सुखाने वाला केस अच्छे से डिटेल से बताया, जो अपने बॉयज स्टूडेंट है बेटा अच्छे से समझ लेना, जिंदगी में कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा बेटा। थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो जीना हराम हो जाएगा, एग्जाम से ज्यादा प्रॉब्लम तो फिर खुद की लाइफ में आ जाएगी, ध्यान रखना। अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो, समझ में आ गया, जेंट्स का फ्यूचर यही है बेटा, ध्यान रखना। तो बॉयज स्टैंड अच्छे से समझ लेना, और कोई डाउट हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर बार बार देख लेना, ये कोलोइडल स्टेट वाला बेटा, ये ध्यान रखना बहुत काम आएगा जिंदगी में हमेशा। बात समझ में आई, आज नहीं तो 10-20 साल बाद हमें याद करोगे हाँ ये तो अच्छा हुआ सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया, वरना बहुत मार पड़ती। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो यस और नो। तो ये अपने बात की बेटा क्या एसोसिएटेड कोलोइड की, चलो फटाफट बोलो, यहां तक कोई दिक्कत। यस सर, पापा को भी दिखा देंगे, शाबाश बेटा, दिखा देना, तेरे पापा तो वैसे बोले से हैं, उनको जरूर दिखा देना। ठीक है, अरे कोई तेज हो वो तो बेटा बहाने कर लेते हैं, आज मेरे ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ये फीवर हो रहा है, तेरे पापा तो बोले से हैं, जरूर दिखा देना। पर क्या तू भी दिखा देना बेटा, करीना दिखा देना। नो सर, नहीं दिखाओगे, बाद में मत करना सर, पापा के साथ ये हुआ वो हुआ, तुम्हारी मर्जी है। चलो बेटा प्रेम दिखा देना। चलो देखो बॉयज़ तो मतलब ये पढ़ के डर गए कि जिंदगी में ऐसा भी होता है, जिंदगी ऐसे भी होती है, बिल्कुल बेटा यही जिंदगी होती है, बात समझ में आई क्या। ठीक है, वॉशिंग मशीन बेटा कितना ही कर लो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हज़ार नखरे होंगे, हमें तो हाथ से धोए कपड़े अच्छे लगते हैं, वो लगते हैं, जितना दिमाग वही बात है, जेंट्स जितना दिमाग लगाता है उसके बाद वो लगाना बंद कर देता है, उसके बाद वो सोचना स्टार्ट करती है, ध्यान रखना बेटा, तो ये दिमाग से निकाल देना। ठीक है बेटा, चलो मस्त रहना। एक बॉयज ने हिम्मत की बेटा, देखो एक लड़के ने, जयंत ने खाली कमेंट करने की, बाकी सब बॉयज की तो बोलती बंद होगी, अरे समझ में नहीं आया, डर गए पुष्पेंद्र, अरे डर मत बेटा पुष्पेंद्र, क्या हुआ फूंक निकल गई क्या, अरे अब नहीं मार रहा क्या फूंक, डर मत बेटा, मस्त रहे, खुश रहे, चलो जो होगा देखा जाएगा बेटा, पापा लोग ने जिंदगी जी है, हम भी जी लेंगे कैसे न कैसे। मनीषा आ गया सर, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, स्क्रीनशॉट लो और फटाफट आगे बढ़े जिंदगी में।
चलो बेटा इसको मिटा दे, अरे बुझाने दे क्या। चलो तो ये अपने बात की बेटा किसकी, एसोसिएटेड कोलॉइड की। एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है, कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे करना है, ध्यान रखना बेटा। चलो आगे बात करते हैं। चलो देखते हैं बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड के बारे में क्या दे रखा है। इसके बाद देखो बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड के बाद इसने क्या दे रखा है, चलो आगे इसने क्या दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन कोलोइडल सिस्टम। क्या कहा, कोलोइडल सिस्टम की बात करें तो क्या करा बेटा इसने, तीन टाइप के बोला। मेनली क्या होता है बेटा, देखो कोलोइडल सिस्टम की बात करें वैसे वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। इसमें जो कोलोइडल सिस्टम होता है यानी कोलोइडल निकाय होता है, कोलोइडी निकाय होता है, तो मेनली क्या होता है, तीन टाइप का होता है बेटा, समझना। तीन टाइप का कौन सा होता है, एक तो होता है बेटा सोल, एक होता है बेटा जेल, बात समझ में आई क्या, और एक होता है इमल्सन। क्या होता है, इमल्सन यानी पाइस। ये सोल को सोल ही बोलते हैं, जेल को जेल ही बोलते हैं बेटा, और इमल्सन होता है पाइस। ओके चलो बेटा देखो कैसे होता है, क्या होता है, सोल का ध्यान रखना। देखो नाम से रटने की जरूरत नहीं कुछ भी, सोल सॉलिड प्लस लिक्विड। सोल का मतलब क्या है बेटा, अरे सॉलिड प्लस लिक्विड से मिलकर बना है बेटा, ठीक है। देखो सॉलिड प्लस लिक्विड एस ओ एल, यहां से सोल इसलिए बोला गया है, क्लियर। जेल की बात करें बेटा तो वो क्या होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड, इसका उल्टा कर दो बेटा। मैंने क्या कहा, सॉलिड इस नाम से बना, सॉलिड प्लस लिक्विड तो क्या होगा, सोल बोलेंगे, क्लियर। इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। और जो इमल्सन होता है बेटा वो क्या होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड होता है बेटा, बात समझ में आई क्या, क्लियर। बच्चा कहेगा सर ये प्लस ये, ये प्लस ये क्या है सर, ये है बच्चों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। मैंने क्या कहा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन है मीडियम। पहले जो हमने लिखा है वो है डिस्पर्स फेज, बाद में जो लिखा है वो डिस्पर्सन है मीडियम। ओके इसका मतलब सोल में डिस्पर्स फेज क्या होगा, सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, लिक्विड। इसमें क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड होगा, और इसमें लिक्विड प्लस लिक्विड ही होता है बेटा, बात समझ में आई क्या, क्लियर। अब ये ध्यान रखना बेटा, डिस्पर्स फेज के क्या होते हैं, नेचर के बेसिस पे क्या करते हैं, जो कोलोइडल सिस्टम होता है वो कई टाइप का बोला जाता है। मैंने क्या कहा, कोलोइडी सिस्टम होता है बेटा क्या, उसको कई टाइप से बोला जाता है, किसके बेसिस पे, डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे। बच्चा कहेगा सर कैसे, अगर अगर बेटा देखो वाटर का यूज करें एज डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों देखो डिस्पर्सन मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, किसके बेसिस पे बात कर रहा हूं, अच्छे समझना। डिस्पर्सन मीडियम देखो ये कॉमन है तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ, जो डिस्पर्सन मीडियम है, प्रक्षेपण माध्यम है, उसके बेसिस पे। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, मैंने क्या कहा, डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल या फिर बोला जाता है बेटा एक्वासोल, क्योंकि हमें पता हाइड्रो एक्वा ये किसके नाम होते हैं, वाटर के नाम होते हैं। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो सोल सोल इसको जो कोलोइडी सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोसोल एक्वासोल, क्लियर, ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें बेटा बेंजीन की, मैंने क्या कहा बेंजीन की, तो नाम यूज करेगा बेटा यहां पर क्या, बेंजोसोल, बात समझ में आई क्या, क्लियर। अगर अपन बात करें बेटा किसकी, जैसे मान लो एल्कोहल की बात करें, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अब ठीक है अब मजा आ गया, ठीक है एल्कोहल के, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्कोसोल, क्या कहा, एल्कोसोल। अगर अपन बात करें बेटा एयर की, क्या कहा, एयर की, तो यूज किया जाता है बेटा एरोसोल, बात समझ में आई। तो कई जगह ये नाम आ जाएगा, बेंजोसोल, एल्कोसोल, एरोसोल, हाइड्रोसोल, इनका मतलब क्या होता है, कोलोइडी सिस्टम के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, किसके बेसिस पे, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम जैसा होगा वैसा ही नाम दिया जाता है। जैसे अपन क्या कहते हैं सोल्यूशन में, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट जैसा होता है सॉल्यूशन वैसा ही बोला जाता है। जैसे शुगर को वाटर में डिसोल्व करें तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, याद है ना। वैसे ही सॉल्वेंट जैसा है सॉल्यूशन को वैसा ही नाम दिया जाता है, वैसे ही डिस्पर्सन मीडियम जैसा होगा कोलोइडी सिस्टम को वैसा ही नाम दे दिया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, अरे बुझाने दे क्या।
चलो बेटा, तो ये अपने बात की बच्चों, देखो कोलोइडी सिस्टम की बात करें, जैसे बार बार ये नाम आए सोल जेल, इनके मतलब क्या होता है, कैसे होता है, वन बाई वन अपन को इनको डिटेल से पढ़ना बेटा, ओके। चलो देखो इसमें क्या दे रखा, थ्योरेटिकल पॉइंट दे रखा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए कॉमन कोलोइडल सिस्टम, कोलोइडल सिस्टम के टाइप की बात करा, सोल सोल की बात करा बेटा, देखो सोल ये सब मैंने बता ही दिया, किससे बनेगा क्या बनेगा, बाकी बकवास काम है, ये ऐसे होगा वैसे होगा वही बात है, ध्यान रखना। इसमें दो चीज दे रखी, लियोफिलिक, मैंने क्या कहा, लियोफिलिक लियोफोबिक, बच्चों देखो फिलिक फिलिक के आगे क्या होता है, अट्रैक्शन वाला केस होता है, यानी लियोफिलिक यानी क्या होता है, सॉल्वेंट या लिक्विड के रेस्पेक्ट में क्या करे बेटा, अगर अट्रैक्शन नेचर हो तो क्या होगा, लियोफिलिक सोल बोलेंगे, क्लियर। और एग्जांपल बेस्ड है बेटा, तो ये जरूर ध्यान रखना, जैसे नीचे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, गम प्रोटीन जिलेटिन स्टार सेलुलोज वगैरह, तो ये सारे क्या मैक्रोमोलिक्यूल से, मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बनेंगे, लियोफिलिक सोल बोला जाता है, आ गया समझ में, क्लियर। दूसरा देर का लियोफोबिक है, लियोफोबिक मतलब क्या बेटा, लिक्विड लिक्विड के रेस्पेक्ट में क्या हो बेटा, यानी एफिनिटी कम हो, बंधुता कम हो, यानी अट्रैक्शन कम हो बेटा, आकर्षण कम हो, स्नेह कम हो बेटा, तो क्या करेंगे इन्हों बोलेंगे लियोफोबिक, मैंने क्या कहा, फोबिया डर, दूर भागने वाला, काम खत्म, ओके। इसका मतलब लिक्विड के रेस्पेक्ट में अट्रैक्शन कम हो तो बोलेंगे लियोफोबिक नेचर, क्लियर। और इसके एग्जाम्पल कौन है, जो मेटल्स होती है बेटा, देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये मेटल यानी क्या हो जाएगा, कई सारे मेटल्स होते हैं, यानी AgAu या मेटल सल्फाइड फॉस्फोरस, तो ये ध्यान रखना मेटल के जो सोल होते हैं वो क्या होंगे, लियोफोबिक नेचर के होंगे, काम खत्म, ओके। और कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है बेटा। फिर आगे क्या, एक टेबल दे रखी है क्या, डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलोइड्स, बेटा इसको क्रॉस मार देना, कोई काम की चीज नहीं है, मैंने क्या कहा, यानी डिफरेंस दे रखा लियोफिलिक लियोफोबिक में, लियोफिलिक में यह होता, लियोफोबिक में होता, क्रॉस मार देना, कोई काम की चीज नहीं है बेटा, ओके। चलो आगे क्या दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ सोल, सोल का निर्माण, यानी कई सारी मेथड्स हम यूज करेंगे जिससे अपन सोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, यानी सोल का प्रिपरेशन यानी फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं बेटा। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो कई सारी मेथड्स यूज करते हैं, जैसे सबसे पहले क्या, कंडेंसेशन मेथड, ठीक है, संघनन विधि। कंडेंसेशन मेथड में क्या करते हैं, कई सारी रिएक्शंस आती है बेटा, जैसे फर्स्ट आता है केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स यानी नाम से पता चल रहा है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड मतलब क्या, यानी रिएक्शंस करवाएंगे बेटा, ओके, यानी केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जैसे फर्स्ट मेथड क्या दे रखा बेटा, देखो इसमें कई सारी रिएक्शंस हमें दे रखी है, कई सारी रिएक्शंस हमें क्या दे रखी है, जैसे एक रिएक्शन हमें ये दे रखी है H2S, H2S plus Br2। देखो अलग अलग प्रोसेस को कैसे नाम देते हैं, अलग अलग टाइप के कोलोइडी सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं बेटा, H2S plus Br2, तो यहां से H2 अगर क्या करे बेटा, इससे रिएक्शन कर जाए तो क्या बनेगा, 2HBr और प्लस सल्फर, सल्फर का सोल बन जाएगा, मैंने क्या कहा, सोल कैसा है, सल्फर सोल। लेकिन ये जो सोल बना है यानी सॉल्यूशन, कोलोइडी सॉल्यूशन को, नॉर्मली मैंने क्या कहा, कोलोइडी सिस्टम होता, ध्यान रखना बेटा, तीन टाइप का मैंने बोला है, सोल जेल और इमल्सन, लेकिन इसका सबसे फेमस कौन होता है, सोल फर्स्ट वाला ही होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ओके। तो सोल बोले मतलब कोलोइडी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो जो एलिमेंट था सल्फर का, उसका सोल बन जाएगा, सल्फर सोल बोलेंगे, ओके। लेकिन ये किस मैकेनिज्म से बन रहा है बच्चों, ये देखना, उसके अकॉर्डिंग उसे वैसा ही नाम देंगे, कैसे, अरे हमें पता है बच्चों, देखो यहां सल्फर की बात करें, यहां चार्ज कितना -2, हाइड्रोजन पर कितना +1, रेडॉक्स में हमने एक-एक चीज पढ़ी है, ध्यान है ना, अरे देखो सल्फर, सल्फर देखो बेटा -2 से किस में जा रहा है, 0 में, -2 से 0 में जा रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा, नहीं हो रहा, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस मेथड को नाम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन मेथड, यस ऑर नो, अरे इस मैकेनिज्म को क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन मेथड, बस आपको एग्जांपल दे देगा, ऑक्सीडेशन मेथड इसमें से कौन सी है, यानी सोल का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन से किस मैकेनिज्म में हो रहा है, किस ऑप्शन में हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग, काम खत्म बेटा, ओके। चलो आगे हमें क्या दे रखा बेटा, रिडक्शन की बात करें, तो जैसे एक रिएक्शन हमें और दे रखी है, क्या हमें यह दे रखा, जैसे मान लो AuCl3 की मैं बात करूं बेटा, गोल्ड की बात करें AuCl3, और हमें साथ में क्या दे रखा है, SnCl2, इसकी मैं बात करूं तो मान लो इससे बनता है बेटा SnCl4 प्लस बनता है बेटा इसके अकॉर्डिंग जैसे हाफ Cl2 और प्लस Au, ये अलग हो जाता है, गोल्ड अलग हो जाता है, इसका सोल बनता है, मैंने क्या कहा, सोल किसका बन रहा है, Au का। लेकिन ये कैसे बन रहा है बेटा, ये अच्छे समझना, क्लोरीन की बात करें चार्ज कितना -1, एक क्लोरीन पर -1 तो 3 पे -3 तो इधर कितना +3, यानी Au +3 से किसमें
आ गया, जीरो में आ गया। अरे प्लस थ्री से जीरो में आ गया, चार्ज डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? चार्ज डिक्रीज हुआ है, और चार्ज डिक्रीज हुआ तो हमें पता है बेटा ये किससे हुआ है, चार्ज का डिक्रीज होना इसे क्या बोला जाता है? रिडक्शन। समझ में आ गया, यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, कैसे करना है? देखो प्लस थ्री से जीरो में आना डिक्रीज हो गया, रिडक्शन। समझ में आ गया? तो रिडक्शन मैकेनिज्म से कौन सा? ये वाला हो रहा है, क्लियर। चलो एक एग्जांपल हमें क्या दे रखी है बेटा, जैसे FeCl3 की रिएक्शन दे रखी है, FeCl3 प्लस बोला साथ में 3H2O, FeCl3 प्लस 3H2O, इसकी बात करूं बेटा तो देखो क्या बन रहा है, इससे बनेगा जैसे मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड और 3HCl बन जाए, ओके? तो देखो फेरिक क्लोराइड H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है बच्चों, फेरिक हाइड्रोक्साइड और 3HCl बन रहा है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है? अरे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ? ये जो प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है, कैसे बना है? इसका कैटायन एनायन, वाटर के कैटायन एनायन से रिएक्शन करके, यस और नो? अरे इसका कैटायन कौन है? Fe+3, और यहाँ पर क्या OH- तो क्या होगा? FeOH3, क्लियर? ठीक है, यहाँ पर क्या है? Cl- और क्या है? H+ बच्चों, रिएक्शन करके क्या बनेगा? HCl। मेरा कहने का मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल को कैटायन एनायन में ब्रेक किया है, और वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ गया? तो ये क्या है बेटा, इसे बोल देंगे हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म। बात समझ में आई क्या? हाइड्रोलाइसिस, क्लियर? ठीक है बेटा, यहां तक बात ठीक है। एक एग्जांपल हमें और दे रखा है बेटा, जैसे यहां पर क्या AgNO3 की अगर अपन बात करें बेटा, AgNO3 प्लस KI, देखो बेटा AgNO3 प्लस KI, तो इसमें भी क्या होगा, अगर कैटायन एनायन आपस में रिएक्शन करे, दोनों ही आयनिक कंपाउंड है बेटा, तो इसका कैटायन कौन है? Ag प्लस, एनायन कौन है? NO3-, कैटायन कौन है? K प्लस, नेगेटिव कौन है? I-, Ag+, I-, तो क्या होगा बेटा? AgI प्लस, हमें पता है NO3- और K+ क्या बनेगा? KNO3। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुई है, इसमें दोनों ही आयनिक कंपाउंड ब्रेक हुए नहीं हुए, दोनों ही ब्रेक हो गए, इसको बोला जाता है डबल डिकम्पोजिशन, यानी द्विक या विघटन बेटा। आ गया समझ में? डबल डिकम्पोजिशन यानी द्विक विघटन, दोनों टूट गए, तो इसको क्या बोला जाता है? डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन द्विक विघटन। समझ में आ गया बेटा, यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब क्या, आपसे बोले कौन सा सॉल्यूशन यानी कौन सा सोल किस मैकेनिज्म से बना रहा है, तो थोड़ा सा आपको पीछे के चैप्टर्स का आइडिया है, जैसे आयनिक में अपन हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखते हैं, किस प्रोसेस से कंप्लीट हो रहा है, दोनों ब्रेक हो रहे हैं, एक का कैटायन दूसरे का एनायन। बच्चा कहेगा सर इसमें भी तो यही हो रहा है, इसका कैटायन इसका एनायन, इसका एनायन इसका कैटायन, लेकिन इसमें बेटा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस मेजर कंसीडर करेंगे, ओके? लेकिन दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, तो क्या होगा? दोनों ही टूटेंगे, मेनली रिएक्शन में दोनों का रोल होगा, तो इसे बोलेंगे, यहां पर हमें पता आयनिक कंपाउंड होता है, उसका रिएक्शन में मेजर रोल होता है, यहां पर H2O मीडियम यानी सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज हो रहा है, सिर्फ ध्यान रखना, तो यह हाइड्रोलाइसिस बोला जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, इसमें दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, दोनों ही रिएक्शन करके ब्रेक हो जाएंगे, तो क्या होगा? डबल डिकम्पोजिशन। समझ में आ गया, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट, कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया बेटा? चलो आगे बात करते हैं बच्चों। देखो क्या कर रहा है, आगे बोल रहा है एक्सिस कूलिंग, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बाय एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। बेटा ये छोड़ देना, क्रॉस मार देना, बाकी जो दे रखी दो तीन बेटा काम की चीज नहीं है, ओके? चलो बेटा अब बात करते हैं डिस्पर्सन मेथड। इसमें कई सारी मेथड्स हमें दे रखी है, केमिकल मेथड की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? डिस्पर्सन मेथड। देखो बच्चों क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं इस बात को, कैसे हमें करना है डिस्पर्सन मेथड। बच्चों पहली बात तो ये डिस्पर्सन जो नाम आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सुना होगा डिस्पर्सन। मैंने क्या कहा, डिस्पर्सन का मतलब ही क्या होता है बेटा, बिखेर देना, अलग अलग बिखेर देना, ओके? डिस्पर्सन मेथड में हमें करना क्या बेटा, यानी कई सारी डिस्पर्सन मेथड की अपन बात करेंगे, जैसे डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मेथड्स, यानी बोलते हैं ना प्रक्षेपण, बिखेर देना, अलग अलग कर देना बेटा। डिस्पर्सन मेथड में कई सारी मेथड्स अपन पढ़ेंगे बेटा वन बाय वन। तो एक बात तो श्योर है, बड़ी साइज के क्या होंगे, कोलोइडल पार्टिकल होंगे, उनको अपन को डिस्पर्सन करना है यानी बिखेरना है बेटा अलग अलग टाइप से, ओके? कैसे बेटा, सबसे फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है, मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैंने क्या कहा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा उसको बोर्ड पर जरूर समझेंगे। इसमें पहली मेथड दे रखी मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब ही क्या होता है बेटा, फिजिकल वर्क करके काम खत्म। हमें डिस्पर्सन का मतलब क्या है, कोई
बड़ी साइज का सबस्टांस है उसको छोटी छोटी साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। क्या कहा? बड़ी साइज के पार्टिकल को क्या करना, सबस्टांस को छोटी छोटी साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। बच्चा कहेगा सर क्यों छोटी साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन तभी बोला जाएगा जब पार्टिकल की साइज एक डेफिनेट रेंज में हो। क्या कहा? कोलोइडल सॉल्यूशन अपन कब बोलते हैं? जब पार्टिकल की साइज एक डेफिनेट रेंज में हो। अगर बहुत ज्यादा साइज है तो अपन उसे कोलोइडल सिस्टम बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे क्या? नहीं बच्चों। तो आपको बड़ी साइज का सबस्टांस देगा, उसके टुकड़े टुकड़े आपको करके करने क्या करना है, इस रेंज के इस प्रास के पार्टिकल कण बनाने हैं जिससे वो कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में कंसीडर आ जाए, हो जाए, यानी 10 से 1000 एंगस्ट्रम के बीच की रेंज में आ जाए। ओके चलो, तो पहला तरीका क्या है? मैकेनिकल डिस्पर्शन, यांत्रिक प्रक्षेपण। यांत्रिक प्रक्षेपण मतलब मैकेनिकल मतलब क्या? फिजिकल वर्क करके। फिजिकल वर्क करके कैसे बेटा? तोड़ के, पीस के, जैसे ग्राइंडिंग करते, कोई सबस्टांस अपन ने डाला है और क्या ग्राइंडिंग किया बेटा, ठीक है? देखा होगा पापा कई बार किचन में मिक्सी यूज करते होंगे बेटा, तो क्या ग्राइंडिंग करते हैं यानी पीसना बेटा, वही काम है बेटा। क्या बड़ी साइज का कोई सबस्टांस उसके ग्राइंडिंग करके यानी पीस के, ग्राइंडर में क्या करते हैं, मिक्सी में क्या करते हैं, पीस कर तोड़ कर क्या करते हैं, छोटी छोटी साइज के पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होता है मैकेनिकल डिस्पर्शन, काम खत्म। लेकिन जो नेक्स्ट वाला दे रखा है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये ध्यान रखना, ब्रेडिग आर्क मेथड। मैंने क्या कहा? ब्रेडिग आर्क मेथड, स्टार मार्क मैंने किया है, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके ब्रेडिग आर्क मेथड बेटा, देखो ब्रेडिग आर्क एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ, ध्यान रखना 2-3 साल पहले जेई में। ब्रेडिग ये तो साइंटिस्ट के नाम पे था, आर्क मेथड, पहली बात तो ये आर्क क्या होता है बेटा? देखो जैसे वायर में देखते हैं, वायर में स्पार्किंग होती है, या फिर क्या जैसे वेल्डिंग वाला केस होता है, वेल्डिंग में देखा होगा जब दो स्टिक को क्या, इलेक्ट्रिक रोड को स्टिक को ऐड करते हैं बेटा, मेटल के कॉन्टेक्ट में आती है, लाइटिंग होती नहीं होती, अरे स्पार्किंग होती है बेटा, उनको आर्क बोला जाता है बेटा। समझ में आ गया? ब्रेडिग आर्क मेथड, इसमें भी अपन को यही करना है बच्चों। क्लियर? कैसे? नॉर्मली अपन क्या करेंगे बच्चों, ये मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है बेटा, ये कंटेनर है, इसमें मान लो कोई सॉल्यूशन हमने फिल कर दिया। क्या कहा? कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या किया, इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है उनकी साइज बड़ी है। क्या कहा? इनमें जो पार्टिकल है उनकी साइज क्या है, बड़ी है, और बड़ी साइज के पार्टिकल है तो हम इसे कोलोइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पार्टिकल की साइज ज़्यादा होगी तो कॉमन सेंस है मास भी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होंगे नहीं होंगे, पैंदे में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा होने देना है क्या? नहीं बच्चों। ओके हमें क्या करना, छोटी साइज के पार्टिकल बनाने हैं उनके। तो कैसे करेंगे, इसमें अगर पार्टिकल की साइज मान लो बड़ी साइज थी बेटा तो अपन क्या करेंगे, इनको छोटी साइज के कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक रोड का यूज कर रहे हैं बेटा। मैंने क्या कहा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक रोड है। ओके ये इलेक्ट्रिक रोड है बेटा, और इलेक्ट्रिक रोड से क्या होगा, इसके अंदर स्पार्किंग होगी नहीं होगी, अरे इसके अंदर स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होगी तो हमें पता हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो हमें पता ये सबस्टांस है, इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, यानी सभी पार्टिकल अलग अलग होंगे नहीं होंगे, अलग अलग हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे पार्टिकल में बिखर जाएगा। यही तो अपन पढ़ रहे हैं डिस्पर्शन मेथड यानी प्रक्षेपण विधि, यानी अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड कर लेना। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? बस इसमें यही करते हैं कि किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक रोड यानी कोई सॉल्यूशन आपको दे दिया, उसको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसमें इलेक्ट्रिक रोड की हेल्प से क्या करते हैं, आर्क प्रोवाइड करते हैं, यानी क्या, यानी स्पार्किंग करते हैं बेटा, इससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, आर्क की हेल्प से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे क्या होगा, जो सबस्टांस है वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है बेटा। आ गया समझ में? लेकिन ये ध्यान रखना, एक तो ये मेथड जो होती है क्या, एस ब्लॉक मेटल्स के लिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल्स क्या होती है बेटा, हमें पता मोर रिएक्टिव होती है तो वो कोई रिजल्ट ज्यादा नहीं दे पाती, और ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं वो क्या, उनमें बर्निंग प्रोसेस बहुत जल्दी होता है बेटा, ठीक है? जैसे फॉरेन में देखा होगा, जैसे अरब कंट्रीज में काफी होता है, वहां पर बेटा जैसे इतनी ग्रीनरी नहीं होती, हरियाली नहीं होती, लेकिन वहां क्या करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली बोलते हैं ना खजूर होते हैं बेटा, डेट पाम, इनके ट्री बहुत ज्यादा होते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कई बार जैसे वहां पर टेम्परेचर 50 प्लस तो होता ही है नॉर्मली, इसलिए सभी एसी यूज करते हैं, तो टेम्परेचर 50 प्लस होता है, तो जैसे 2 साल पहले एक वीडियो आया था टेम्परेचर की 55 के आसपास हो गया, तो इतनी ज़्यादा हीट की वजह से क्या, जो खजूर डेट पाम के ट्री है बेटा, उनमें फ्रिक्शन की वजह से आपस में क्या आग लग गई बेटा। क्यों? क्योंकि उनमें वैसे ही पानी वहाँ पर कम होता है, तो क्या होगा, वो थोड़े वैसे ही ड्राई से होते हैं, तो क्या होगा, जैसे हीट मिली वो उनमें आग लगी, पूरा ट्री क्या होगा, खड़ा खड़ा उसमें आग लगी बेटा। और अपन जैसे देखते हैं फॉरेस्ट में आजकल हो रहा है, बार बार देखा होगा, कभी इन फॉरेस्ट में आग लग रही है, कभी इसमें क्या होता है बेटा, फायरिंग वाला केस हो रहा है, यही तो होता है, यानी बारिश वगैरह कम हो गई तो ग्रीनरी एरिया कम हो गया, तो हमें पता जो ट्री वगैरह है उनके चाहे
स्टेम हो चाहे लीफ हो बेटा, ये ड्राई हो गए तो जैसे उनमें फ्रिक्शन होता है हीट की वजह से क्या होता है, बहुत इजीली यानी फायर वाला केस हो जाता है। समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा। और एग्जाम में जो पूछा गया था कि ये मेथड किसके लिए अप्लीकेबल होती है, तो ध्यान रखना कॉपर, एजी, एयू, प्लेटिनम, ये ध्यान रखना इनके लिए ये मेथड एप्लीकेबल होती है। जेई में जो पूछा गया था एजी वाला आया था, एजी के लिए कौन सी मेथड यूज़ होती है यानी, या ब्रेडिक आर मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होती है, तो अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, तो सिल्वर उसमें आंसर था बेटा, जेई में 2016 में आया था बेटा ये, ठीक है, जेई 2016। तो ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर? चलो बेटा आगे क्या दे रखा है बेटा, पेप्टाइजेशन, एक मेथड और दे रखी है बेटा पेप्टाइजेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए। क्या कहा? पेप्टाइजेशन। देखो बेटा क्या होता है पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइजेशन बच्चों देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है बेटा कोगुलेशन, स्कंदन। कोगुलेशन में क्या होता है, पार्टिकल का एक जगह जमा होना, और पेप्टाइजेशन क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। अपन पढ़ी क्या रहे हैं, डिस्पर्सन मेथड, बिखेर देना, बात समझ में आई क्या? तो पेप्टाइजेशन में हमें करना क्या बच्चों, यानी को बड़ी साइज का सबस्टांस है उसको कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल में बिखेर देना, अलग अलग कर देना। बच्चा कहेगा सर कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा केमिकल लोचा काम में लेते हैं बेटा, थोड़ी मैकेनिज्म काम में लेते हैं, ओके? बच्चा कहेगा मैकेनिज्म कैसे काम में लेते हैं, तो बच्चों देखो नॉर्मली क्या होता है, एक्चुअल में क्या, जैसे एक एग्जांपल दे रखा बेटा क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ओके? क्या कहा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, इसकी जब रिएक्शन करवाए बेटा फेरिक क्लोराइड, कहने का मतलब क्या, कोई भी मान लो आपको कोई सबस्टांस दे, उसका सॉल्यूशन दे रखा है, अगर उसे आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, उसे इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं पेप्टाइजेशन के प्रोसेस में, और ये इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इसे बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। मैंने क्या कहा, इसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है बेटा, ध्यान रखना। ये तो क्या हो गया, ये मान लो कोई कोलोइडल सबस्टांस है बेटा, ओके? ये कोई भी कोलोइडल सबस्टांस है, ठीक है, सबस्टांस है बेटा, और ये क्या बोला जाएगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। ये जो पेप्टाइजिंग में यूज होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट यानी पेप्टिक कारक भी बोला जाता है इसे, बात समझ में आई क्या? तो बच्चों देखो एक बात ध्यान रखना क्या, कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो उसको क्या बोलोगे, पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टिक कारक बोला जाता है। और ये जो पेप्टाइजिंग एजेंट होगा, क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान रखना, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होगा, कॉमन आयन वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, कॉमन आयन वाला होना चाहिए। बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि अगर कॉमन आयन वाला नहीं होगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्लियर? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा समझना इस बात को अच्छे से, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या ऐसी रिएक्शन लिखी जाती है, पहली बात तो कॉमन आयन क्या होता है, ये तो ध्यान है ना, कि जैसा सॉल्यूशन है जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो उसके जैसा कोई सेम आयन भी होना चाहिए। कैसे, इसके आयन कौन है बेटा, Fe+3, ये क्या है OH-, जबकि यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये Fe+3 और Cl-, तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो उसमें एक आयन सेम है या नहीं है, अरे कॉमन है या नहीं है, है बच्चों। तो क्या होता है, ये जो कॉमन आयन होता है वो इसकी सरफेस से क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्या कहा, कॉमन आयन क्या करेगा, इसकी सरफेस से ऐड हो जाता है, यानी FeOH होल थ्राइस, और क्या होगा, कॉमन आयन इसकी सरफेस से ऐड हो जाएगा, क्लियर? ऐड कौन होगा, कॉमन आयन वाला ही होगा। बच्चा कहेगा सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा, एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस ये होता है, ये है अपना फेरिक हाइड्रोक्साइड, समझना बेटा इस बात को, ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब हमें पता ये Fe+3 क्या, अगर इसकी सरफेस से ऐड हो गया तो ये कई सारे बेटा Fe+3 है, ये मान लो यहाँ पर Fe+3, यहाँ पर Fe+3, यहाँ पर ये Fe+3, और यहाँ पर Fe+3, और यहाँ पर भी Fe+3 बेटा, समझ में आ गया, ये कई सारे Fe+3 यहाँ पर ऐड हो गए। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या अगर Fe+3 की बात करें बच्चों, देखो तो कई सारे Fe+3 अगर इसकी सरफेस पर आ जाएंगे तो हमें पता है बच्चों सेम चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा या नहीं होगा, अरे रिपल्सन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे, और रिपेल करेंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो हमें पता है बेटा आपस में क्या हो जाएंगे, वापस बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है बेटा, क्या कहा, जैसे ये ब्रेक होता है, अलग कलर देना, ब्लू कलर का मार्कर दो जल्दी से, ब्लू वाला देना। तो जैसे क्या कहा बेटा, ये जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक्चुअल में क्या होगा, देखो ये जो Fe+3 है इसकी सरफेस को चारों तरफ से कवर कर लेता है, और जैसे सरफेस को चारों तरफ से कवर कर लेता है यानी इसकी सरफेस के कॉन्टेक्ट में होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, और जैसे क्या होगा, कई सारे Fe+3 हो गए, अरे जहां पर एक्सिस में होता है झगड़ा अपने आप होता नहीं होता, चाहे फैमिली हो चाहे सॉल्यूशन हो बेटा, वही बात है क्या, हमें पता है इसकी सरफेस के चारों तरफ अगर Fe+3 एक्सिस में हो गए तो क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा,
तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी वापस बॉन्ड ब्रेक करेंगे और वापस अलग अलग होंगे, तो ये Fe प्लस थ्री क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव होगा रिपल्सन फोर्स की वजह से, ये रिमूव होगा, ये यहाँ से रिमूव हो गया और ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो जो Fe प्लस थ्री अगर रिमूव होगा बेटा तो क्या होगा, जो जहाँ पर कॉन्टेक्ट में था इस कोलोइडल सोल्यूशन के सबस्टांस के, जहाँ पर ये जुड़ा हुआ था वहाँ से क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा सबस्टांस को अपने साथ ले जाएगा बेटा। यस और नो, मेरा कहने का मतलब क्या, ये यहाँ से रिमूव हुआ थोड़ी सी अमाउंट अपने साथ ले गया, ये यहाँ से रिमूव हुआ थोड़ी सी अमाउंट अपने साथ ले गया, ये यहाँ से रिमूव अपने साथ ले गया, ये यहाँ से अपने साथ ले गया, ये यहाँ से अपने साथ ले गया। बच्चा कहेगा सर बीच में बच गया ना, ये खाली बोर्ड पे समझाया, आगे पीछे भी ऐसी ही कंडीशन होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या, कंप्लीट जो सबस्टांस था उसके टुकड़े टुकड़े हुए नहीं हुए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यही तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा, डिस्पर्सन मीडियम यानी डिस्पर्सन मेथड, अलग अलग पॉइंट बिखेर देना, छोटे छोटे पार्ट में उसके टुकड़े टुकड़े कर देना बेटा। समझ में आ गया, क्लियर? तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो जरूर ध्यान रखना, क्या इसमें क्या कर, इसमें क्या करेंगे, कोई भी सॉल्यूशन होता है सबस्टांस होता है उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे और वो इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड करेंगे वो क्या होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट होता है, और पेप्टाइजिंग एजेंट कैसा होना चाहिए, कॉमन आयन वाला होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉमन आयन नहीं होगा हमें पता है बेटा अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं करेगा, क्योंकि जैसे क्या करता है ये OH- इस Fe+3 को अट्रैक्ट करता है, क्या कहा, जैसे ये OH- इस Fe+3 को अट्रैक्ट करता है इस वजह से क्या होगा, इस Fe+3 भी क्या होगा पार्शियल अट्रैक्शन होगा और वो इसकी सरफेस पर ऐड हो जाएगा। अगर कॉमन आयन नहीं होता, जरूरी नहीं बेटा Fe कैटायन वाला ही हो, अगर यहां पर अगर क्या जैसे मान लो Cl, यहां पर Cl होता तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता था, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बात समझ में आएगी, कैटायन या एनायन दोनों में से कोई सा भी कॉमन आयन हो सकता है, तो कॉमन आयन इसकी सरफेस पर आकर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा फाइनली इसकी पूरी सरफेस को कवर करके सबस्टांस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, और डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर यानी ये डिस्पर्स हो जाएगा यानी प्रक्षेपण यानी बिखर जाएगा, और यही तो अपन पढ़ रहे हैं डिस्पर्सन मेथड। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? और जहां पर क्वेश्चन बनेगा ये ध्यान रखना, जो पेप्टाइजिंग एजेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉमन आयन वाला होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें कोई नई बात दे रखी है क्या बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैंने बता दिया। चलो बेटा एक काम करना, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे जो मैंने समझाया बेटा ये अच्छे से कर लेना, और खासकर जो निकिता ने कहा था धोने और सुखाने वाला केस यानी एसोसिएटेड कोलॉइड, वो लेक्चर पापा को जरूर दिखा देना आधे घंटे का बेटा, बहुत काम की चीज़ है। अपनी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई सुकून हो, आराम मिले, फ़ायदा मिले, तो अपना वही बात है, जीना सफल हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलो ये लेक्चर बेटा रिवाइज करना अच्छे से, कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।